जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम अस्सलाम अरूज, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की लाइव स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल फीमेल्स, ऑल द मदर्स अराउंड, मोर पावर टू यू दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन द लाइव्स, हर तरह की जिनको चैलेंजेस हैं और जो सिंगल हैं, जो सिंगल नहीं भी हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, मदर्स हैं। थैंक यू वेरी मच हेडाय, तो मैंने कुछ भी नहीं किया हेडाय को, सो फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज की जो लाइफ है, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफ। और इस लाइफ ने को मैं इसलिए आज के दिन दे रही हूँ, तो आप लोगों को स्पेशली इसको पेज से अपने दे रही हूँ, क्योंकि थैंक यू वेरी मच असमा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का दिन हम सब औरतें सेलिब्रेट करें। हमें हमारे मज़हब ने बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया फिज़ा जिसे कहते हैं राइट्स दिए हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत कुछ दिया हुआ है जिसको हम बहुत सी दफ़ा यूटिलाइज़ नहीं करते। और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं जिन्हें हम बीइंग अ फीमेल अपने घर रहते हुए, अपने मज़हब के दायरे में रहते हुए बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज की जो लाइव है उसका बेसिक टॉपिक है वो क्या अपॉर्चुनिटी है जिसने मेरी ज़िंदगी को एक डेके पहले चेंज किया, यानी 11 साल पहले चेंज किया, और उस अपॉर्चुनिटी से मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, और मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी ख़वातीन को कितना कुछ दिया और उनकी ज़िंदगियां भी मेरी तरह चेंज हुई। सिर्फ फ़र्क क्या है, वालेकुम अस्सलाम, फ़र्क ये है कि हम कभी कभी उस चीज़ को उस एंगल से नहीं देख पाते जो हम सबकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो वेलकम ऑल टुडे फॉर दिस स्पेशल प्रेजेंटेशन, जिसको मैं अपनी वर्ड्स में, या अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको एलेबोरेट बेहतर करूँ, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए वेलकम करती हूँ, वालेकुम अस्सलाम वकारुन्निसा, जिसको मैं ओरिफ्लेम की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का नाम देती हूँ। सो आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। मगर इस प्रेजेंटेशन को देने से पहले मैं एक प्री प्रेजेंटेशन भी दूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकारुन्निसा, थैंक यू साइमा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम अतिया जी, बिल्कुल हर एक को के लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स और बहुत सी दुआएं आज के दिन के लिए। हमारे मज़हब में तो एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, चलें हम भी गोरों की थोड़ी सी तकलीफ करते हुए आज का दिन भी स्पेशली क्राउन पहन लेते हैं सबके सब। ओके जी, हाँ जी, तो आज हम इस प्रेजेंटेशन को देने से पहले एक प्री प्रेजेंटेशन देंगे। और बात बहुत सी दफ़ा हम चीज़ों को समझ नहीं रहे होते या उस एंगल से नहीं देख रहे होते, सो आई वुड लाइक कि अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले और प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं प्री प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दूँ। तो आपको मेरे साथ कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मैं घर से नॉर्मली देती नहीं होती, मगर ये मैंने घर से देने की कोशिश की है। नॉर्मली तो मैं ऑफिस को यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम है कि आपको उल्टा नज़र आ रहा है बोर्ड या नहीं आ रहा, बिकॉज नाउ दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी, बट यू हैव टू बेयर विद मी प्लीज़, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा सेटिंग्स अब चेंज नहीं करूँगी। अच्छा जी, क्या क्या इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। हम कौन कौन से मीन्स हैं जिनसे पैसे बना पाते हैं या बनाते हैं। पहला मीन हमारे पास नॉर्मली जो होता है वो होता है जॉब का। हम सब लोग जॉब करते हैं, थैंक यू वेरी मच रुकैया, बहुत शुक्रिया। हम लोग, तमाम लोग जॉब करते हैं, और जॉब बहुत से लोगों के लिए इनकम कमाने का एक मीन होता है। दूसरा मीन जिसकी मैं बात करूँ वो होता है बिज़नेस, और बिज़नेस के अंदर भी एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है पैसे कमाने का। अब दोनों का फ़र्क यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, बिज़नेस में और जॉब के अंदर। अच्छा, नॉर्मली आप देखें, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएँ, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएँ, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएँ, आप कुछ भी डिग्री ले लें, अगर आपका जॉब माइंडसेट जो है वो जॉब का माइंडसेट है, तो आप कहीं से भी आएंगे, आप कहीं, कोई भी आपका बैकग्राउंड या डिग्री होगी, आप नौकरी ही करेंगे, बिकॉज
जॉब मेंटालिटी के लोगों को बहुत मुश्किल है बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट पे लेकर आना, और अगर कोई बिजनेस वाला शख्स होगा सो बिजनेस वाले शख्स को आप अगर किसी भी जगह नौकरी पर भेजेंगे तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, दो चार दिन के बाद वो शख्स वापस आएगा और लड़कर वालेकुम अस्सलाम सायरा अस्सलाम वालेकुम अफशीन जी, और दो चार दिन के बाद वो लड़कर वापस उस नौकरी को ख़त्म कर देगा। वाई? बिकॉज वो इतना क्रिएटिव होगा और इतना मुश्किल होगा उसको अपने सर पर एक बॉस को देखना कि वो कभी भी नौकरी नहीं कर पाएगा और वो कुछ ना कुछ अपना करना चाहेगा। अब कुछ भी अपना करने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के अगर आप 100 अमीर लोगों की कहानी पढ़ें और उन 100 अमीर लोगों को देखें तो आपको बिज़नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आपको बिज़नेस करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, आपको बिज़नेस करने के लिए किसी भी किस्म की कोई ख़ास तजर्बे की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत लाजम व मलजूम हैं आपके बिज़नेस को करने के लिए, जिसके अंदर पहली बेसिक चीज़ आती है आपकी विल, इरादा, आपकी क्रिएटिविटी, और उस बिज़नेस को करने से पहले थोड़ा सा न डर होने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। मैंने दुनिया के तमाम कामयाब लोगों को ऑब्ज़र्व, अगर मैं उनकी बात करूँ या रीड किया या देखा भी है, वो तमाम वो लोग हैं जो डरते नहीं हैं, उनके पास वो इस बात की परवाह नहीं करते कि हम खोएंगे या कुछ नहीं खोएंगे, हम पाएंगे कुछ या नहीं पाएंगे, वालेकुम अस्सलाम मरियम, और वो कूद जाते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और यही कूदना, यही न डर होना उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत बन जाती है कुछ अरसे के बाद। जो नौकरी पेशा शख्स होता है वो हमेशा डरता है, उसको हमेशा खोने का गम होता है और उसको नौकरी चले जाने का गम होता है, उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों का गम होता है, और वो तमाम गम जिसमें एक सबसे बड़ा रोग उसको लग जाता है कि लोग क्या कहेंगे, सो वो उसको मार के रख देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या आप जॉब कुछ भी कर रहे हैं, लोग आपको हमेशा एक कोई ना कोई एक ऐसा एंगल आपके लिए ज़रूर उनका होगा कि वो आपको आपके लिए कोई भी बात कर सकते हैं। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट कि वट एवर पीपल से डोंट केयर अबाउट इट। इफ़ यू थिंक आप सक्सेसफुल लोगों के ज़मरे में आते हैं तो आपको अपने इस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। लेट देम स्पीक एंड डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ जॉब करने वाले तबके की, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि आप किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो, अगर आपकी जॉब मेंटालिटी है, बिकॉज इस दुनिया में बहुत सी मेंटालिटी के लोग रहते हैं, तो आप यही करेंगे। सो अगर आप यहाँ पर फिट नहीं होते और आप बार बार नौकरियाँ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप बिजनेस मेंटालिटी के शख्स हैं। जॉब के अंदर क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं उसकी बात करते हैं। जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा, वाई नॉट, आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा जॉब का। और आजकल अगर मैं बात करूँ जॉब की, तो क्या ऐसा है क्या आपको हर महीने तनख्वाह मिल रही है? क्या इस सिचुएशन के अंदर लोगों की तनख्वाहें आधी और कुछ की बिल्कुल भी नहीं है और कुछ की नौकरी चली गई है? सो क्या ये आपको फ़ायदा लगता है जॉब का? चलें आगे चलते हैं। इसमें आप टाइम बाउंड होते हैं, आप सुबह से शाम तक अपने बहुत से घंटे देते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 to 5 का, मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे अपने दफ्तर में होते हैं, अगर मैं ऑफिस की बात करूँ, मैं टीचिंग की भी बात नहीं कर रही हूँ, और आप कम से कम भी 6, 6:30 तक तो ऑफिस बैठे ही रहते हैं ना, आपका इतना एक्सेस काम निकल आता है, आपका बॉस कहता है बॉस बैठा है आपको बैठना है, ओवर टाइम की मद में आपके सैटरडेज ऑन होते हैं और जो आपको पे नहीं किए जाते, कुछ इदारे पे करते हैं कुछ नहीं किए जाते। सो आप एक्चुअली सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम को एक सर दर्द देकर घर आते हैं, आप काम घर नहीं लेकर आते, बस उस काम की बहुत सी टेंशंस घर लेकर आते हैं, आपको अपनी ज़हनी जिस्मानी और जितनी एबिलिटीज़ और तजर्बा है उसके अगेंस्ट पे किया जाता है, और आपको जो तनख्वाह दी जाती है आप उस तनख्वाह को बाईपास नहीं कर सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर 15 या 20 या 25 हज़ार पर हुआ है तो उसको मैं बाईपास करके अपनी जो इनकम है वो एक अगले महीने ज़्यादा कर लूँगी। इंक्रीमेंट के नाम पर आपको 10% दिया जाता है नॉर्मली, और 10% का मतलब ये है कि आपको आपकी आमदन का
जो है वो 10% साल के बाद बढ़ाया जाता है, और उस 10% के अंदर आप ये देखें उस साल के अंदर कितनी महंगाई हो गई, उस साल के अंदर पेट्रोल कितना बढ़ा, ग्रॉसरी कितनी बढ़ी, तो एक्चुअली आप ज़ीरो पर ही होते हैं, आपने कुछ भी बढ़ाया नहीं होता। आप अपना बेस्ट देते हैं, कंपनी के मालिक सॉरी नहीं बन सकते हैं। आपकी इनकम फिक्स्ड है, आपका टाइम फिक्स्ड है, और आपका वर्किंग का सारा स्केड्यूल फिक्स्ड है। बहुत मोनोटोनस रूटीन होती है, कोई क्रिएटिविटी भी नहीं होती है। आप अपना बेस्ट देते हैं, कंपनी के कभी मालिक नहीं बन सकते, और मालिक का जब दिल चाहे वो आपको फारिग कर सकता है। अभी हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं जिसमें से गुल अहमद ने अपना बहुत बड़ा स्टाफ जो है वो उसने अपना आउट किया। इसी तरह से बहुत सी और कंपनीज होंगी, मैंने तो वैसे ही नाम ले लिया। उसके बाद हम एक और बात चीज़ देखें, वो ये है कि एक्टिव इनकम है। आप चाहते हैं, आप कमाते हैं, आप घर लेकर आते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है आप घर बैठे में और आपको इनकम आ रही है। तो कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान आपको मैंने जॉब के बताए। अब हम चलते हैं बिज़नेस की तरफ। दूसरी अपॉर्चुनिटी नॉर्मली बिज़नेस की है, और बिज़नेस के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। नॉर्मल अगर मैं बिज़नेस मैन की बात करूं तो उसका करोड़ों रुपया लगा हुआ होता है अपने बिज़नेस पे। जिस तरह आजकल का एक बुरा सिचुएशन है, और मैं किसी बिज़नेस मैन को कहूं कि आप अपना आपकी बंद है बिज़नेस, तो आप बिज़नेस बंद कर दें, तो वो मुझे कहेगा पागल है आप, मेरा अरबों रुपया लगा हुआ है अपनी काम पर और मेरा बिज़नेस मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ है। बंद होने का मतलब नहीं है कि मैं अपना काम बंद कर दूँगी। और जो आम नौकरी टाइप का बंदा होगा या आम कोई भी काम कर रहा होगा, वो बड़ी जल्दी से क्विट करने के चक्रों में रहेगा। सो वो टिकट ठहरे नहीं होते। सो बिज़नेस में आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपके पास टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम बहुत बड़ी एक मंतक का नाम है, और टाइम फ्रीडम जो है उसके साथ आप बहुत से और काम भी कर सकते हैं एक वक्त के अंदर। सो ये अपने टाइम का खुद मालिक है, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, इसको किसी को जवाब नहीं देना, इसका अपना काम है। इसके पास जो इनकम है वो अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक महीना 15,000 कमा रहा है तो वो अगला महीना जो है वो 15 पे ही एंड करेगा, बिकॉज वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी क्रिएटिविटी है, अपने टाइमिंग्स हैं, अपना सारा हिसाब है। और जब आप अपना कोई भी काम करते हैं तो नेचुरली यू वेरी सिंसियर विद योर ओन वर्क। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि बिजली ज़ाया हो रही है, पानी ज़ाया हो रहा है, क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो यू आर चिल। और क्योंकि वो चिल होते हैं तो उसी चिल की ही आपको तनख्वाह भी मिल रही होती है, और वो भी आपके साथ चिल होते हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ बिज़नेस की, तो चूंकि आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सिंसेयर होते हैं, आपका काम होता है हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, अपने बजट्स को मॉनिटर करते हैं, और उस हिसाब से आप काम करते हैं। उसके अलावा इनकम जो होती है आपकी पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का मतलब ये है आप जाएँ ना जाएँ आपका काम चल रहा होता है। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई बिजनेसमैन हो और वो एक एम्पायर खड़ा करे, वो जाए नहीं, बट उसके पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जो नौकरी करने वाले शख्स के पास नहीं होता। नौकरी करने वाला शख्स अपने 24 घंटों मेहनत करता है, अपने दो हाथ दो पाँव को इस्तेमाल करता है, जिस्मानी इस्तेदाद को एक्टिवली यूज़ करता है, जबकि पैसिव इनकम वाला शख्स ऐसा नहीं करता, और वो पैसिवली काम कर रहा होता है और उसके पास एक सिस्टम मौजूद होता है जो उसको कामयाब बनाता है। उसके लिए लोग काम करते हैं। अमीर का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए लोग काम करते हैं। गरीब का फॉर्मूला क्या है, वो किसी के लिए काम करता है। ये सबसे बड़ा फर्क है। आप अब एग्जांपल हम लेते हैं छोटी सी, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ किसी भी एक्स वाई जी बिजनेसमैन की और एक नौकरी पेशा शख्स की। एक कंपनी का सीईओ है और वो नौकरी कर रहा है, वो जवाबदेह है, चाहे वो सैलरी ले रहा है। और मैं बात करती हूँ अगर मलिक रियाज या मियामन शाह साहब की, तो वो जो है उसके लिए लोग काम कर रहे हैं और उसने एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है जिसमें उसको उसका एक सिस्टम है जिससे उसको इनकम का पता चल रहा है। वो खुद काम कम कर रहा है और लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं। देर इज़ अ फॉर्मूला इन दिस वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड 3 and 97% का फॉर्मूला, जिसके अंदर थ्री सक्सेसफुल लोग ये बात करते हैं कि सक्सेसफुल शख्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो 3% काम करता है, 97% लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं। मैं एक छोटी सी और आपको मिसाल देकर इस बात को आगे लेके चलूँगी। फ़र्ज़ करें एक टीचर है और एक प्रिंसिपल है, हम दोनों को फॉर द टाइम बीइंग एग्जांपल में लेकर आते हैं। टीचर एक सिस्टम के अंदर काम कर रही है, वो अपनी ज़हनी जिस्मानी इस्तेदाद को इस्तेमाल कर रही है, डिग्री को यूज़ कर रही है, एक्टिव इनकम पर रोज़ स्कूल जाती है। टीचर का जो एक, चूँकि मैं खुद टीचर रही हूँ,
टीचर का नॉर्मली रिपोर्टिंग टाइम किसी भी स्कूल के अंदर 6:30 के करीब होता है. आपको 6:30 को अपने स्कूल के अंदर रीच करना होता है. 6:30 से लेकर जब वो स्कूल में पहुंच आती हैं, और स्कूल 7 बजे लगता है, 7:15 व्हाट्स जो भी टाइम है आपका. अगर छुट्टी का टाइम बच्चों का 1:30 है तो टीचर्स के लिए, चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी तो टीचर्स को जो है वो तकरीबन 3 बजे तक स्कूल में होना पड़ता था. 3 बजे का मतलब ये है, और अगर मैं इसी टाइम सेट के साथ आगे चलूँ तो 6:30 जो औरत स्कूल में पहुँचेगी वो उठेगी कब? वो अपना घर कुछ ना कुछ मैनेज करेगी नेचुरली, एंड दिस इज़ द एवरीडे रूटीन. मैनेज करने का मतलब ये है वो 5 बजे तो उठेगी, अपने घर की चीज़ें सब कुछ करके घर से उसने मॉर्निंग के टाइम पे निकलना है और सारा कुछ करके जाएगी. तो जो 5 बजे या 4:45 उठेगी तो उसके बाद वो स्कूल से सारा कुछ करके जब वो घर आती है 3 बजे, तो 3 बजे शी इज़ डेड, एक्चुअली शी इज़ डेड. और जब वो घर आती है घर पूरा मुंतजर होता है उसके उसके लिए कि उनके हिसाब से वो घर से बाहर है, जबकि ये नहीं पता वो क्या स्ट्रगल कर रही है और सब कुछ कर रही है. फिर जब वो 3 बजे घर आती है तो 3 बजे घर आकर वो या तो मेरी तो एक ही ख्वाहिश होती थी, मेरी मदर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव थी और मेरी एक ही ख्वाहिश होती थी कि मैं बेड देखूं और सो जाऊं और मुझे कुछ भी ना करना पड़े. सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता होता, और आपको घर के काम, घर मैनेज करना, सोना, घर की कुकिंग करनी, कितना आप काम करेंगे, एफर्ट्स करें, आपके घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं हैं और आपको जो है वो ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ती है. तो आप मुझे बताएं, अगर आप स्कूल से 25 या 30 या 35 या 40 हज़ार भी ले रहे हैं और उसके बाद आप ट्यूशन, एक हद तक आप अपनी जान लगा सकते हैं, आप ट्यूशन एक ही वक्त में फ़र्ज करें 5 से 6 बजे ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो आप उसी टाइम के साथ आगे स्ट्रगल करती चली जा रही हैं, दैट इज़ सो हार्ड, क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली इतना ज़्यादा काम कर रहे हो. और उसी के साथ साथ क्या होगा कि आप ड्रेन आउट कर जाओगे. और जिस औरत ने सुबह 4:45 या 5 बजे उठना है अगला दिन पूरा स्टार्ट करने के लिए, तो वो रात को कितने बजे सोएगी ये आपको सोचना पड़ेगा. ज़ाहिर है 9 बजे उसका मैक्सिमम होगा, वो कुकिंग भी करेगी, सब कुछ करेगी. सो कितना टफ है एक औरत के लिए अगर वो नौकरी कर रही और घर भी मैनेज कर रही. और अभी टीचिंग एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब भी है, टीचिंग एक बहुत ईजी जॉब भी औरतों के लिए जो कंसिडर की जाती है. और अगर मैं बात करती हूँ आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपके घर का क्या हाल होगा या सिस्टम का क्या हाल होगा, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल का, वालेकुम अस्सलाम, प्रिंसिपल का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता है. प्रिंसिपल क्या है, उसके पास अब एक सिस्टम है, एक जगह है जिसमें वो ऊपर बैठी हुई है. उसके पास अब, मैं सिर्फ बिजनेस करने और नौकरी करने का फ़र्क बता रही हूँ. मैंने आपको जो है वो नौकरी के डिसएडवांटेजेस थोड़े से बता रही हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत सी नौकरियाँ की हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता रही हूँ जो कभी कभी हम रियलाइज़ नहीं करते. अब मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल हब है, उसने एक इदारे के ऊपर टॉप पर बैठी हुई है और उसके नीचे एक सिस्टम मौजूद है. उसके नीचे बहुत सी वाइस, उसके नीचे हो सकता है वो ओनर हो और उसके नीचे उसने अपने अलावा भी प्रिंसिपल रखी हो और एक वाइस प्रिंसिपल हो और एक एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके बाद डिपार्टमेंट्स हों. अब उनके बाद जिसे कहते हैं वो आपकी टीचर्स के भी डिपार्टमेंट्स बने हो, टीचर्स की भी हेड्स हों, और उसके बाद एक सिस्टम हो. अब उसके पास देखें वो खुद काम नहीं कर रही, उसको रिपोर्ट किया जाता है. वो 3% और 97% के फॉर्मूले पे काम कर रही है. उसने तमाम टीचर्स को जिनकी डिफरेंट काबिलियतें थी उनको अपने साथ शामिल कर लिया और एक सिस्टम को लेके चलना शुरू कर दिया. अब यहाँ पर आप कमाल ये देखें कि उस प्रिंसिपल का कमाल क्या है कि वो प्रिंसिपल अपने 24 घंटों को कितना अच्छा यूटिलाइज कर रही है. सुबह में उसका स्कूल है, तमाम बच्चे उसके पास आ रहे हैं और उनको फीसें मिल रही हैं. अब उसके बाद शाम को वो अकेडमिक बना देती है उसी स्कूल को, उसी जगह को, और उसके बाद समर वेकेशंस में उसका स्कूल एक समर कैंप की सूरत में उसको बिजनेस देता है. वो यहाँ पर मौजूद है, यूरोप में ट्रैवल कर रही है, अमेरिका गई हुई है, मगर उसका सारा पैसा उसको आ रहा है बिकॉज वो ओनर है और वो बिजनेस कर रही है. सो बिजनेस और नौकरी का फ़र्क अब आई एम श्योर आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा. सो आप देख सकते हैं आप ब्रीद और सवाई किस में ज़्यादा कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर या नौकरी के अंदर. नौकरी बहुत टेम्परेरी अप्रोच है, बट हाँ,
कुछ लोगों का टेम्परमेंट होता है वो रिस्क ले नहीं सकते, उनकी फितरत में इतना डर होता है कि वो कुछ नहीं करना चाहते, और उनको सबसे बड़ी जो चीज़ हिट करती है लोग, ट्रस्ट मी, इस पीरियड के अंदर भी आपको ये समझ आनी चाहिए कि लोगों की को खास वर्थ नहीं है। लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आके चले जाते हैं, लोगों का को खास आपने ये देखना है इन द लॉन्ग रन। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको क्या दे के जा रहे हैं, या आप एक टेबल के ऊपर दोनों रख के देख सकते हैं। सो अभी हमने जॉब की और इसका हमने फ़र्क देख लिया। अब मैं तीन तबके आपके सामने जो हैं वो उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी। आई एम श्योर यू कैन सी व्हेनेवर आई टेल दिस क्राइटेरिया टू टीचर्स वर्सेस बिजनेस। और मैंने आपको सना ये बात बताई है कि कुछ लोगों की मेंटालिटी ही नौकर की होती है, नौकरी नौकर से निकली है, और आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, आप कितने रिस्पेक्टेबल हो जाएं, यू आर वर्किंग अंडर समवन, जहाँ पर आपकी विल नहीं है बिकॉज ये आपका काम नहीं है। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी होती ही बहुत ज़्यादा गुलामी वाली है, तो उनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। आपने किसी होटल के बाहर एक छोटा सा लड़का देखा होगा जो गार्ड दरवाजे खोलता है, आप देखिए वो आपको देखते ही किस तरह से चुस्त होकर सलाम करता है। एक्चुअली उसकी रग रग के अंदर गुलामी होती है। उसको अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी दे देंगे ना, उसके लिए वो वर्थलेस है, उसका इतना विजन ही नहीं है। सो ऐसे लोगों को आप सिर्फ बता सकते हैं, अगर वो देखना नहीं चाहते, वो रिस्क लेना नहीं चाहते और उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो शायद वो उसको कभी ग्राप कर ही नहीं सकेंगे। हम बात करते हैं गरीब, मतवसत और अमीर तबके की। ये तीन तबके, वैसे तो हमारे मुल्क में तबकाती तकसीम बहुत ज़्यादा है और शायद दुनिया में भी हो, मगर मैं भी मोटे मोटे तीन तबकों की बात करती हूँ। हम बात करते हैं गरीब की। गरीब जो शख्स होता है वो उसके पास बेसिकली खोने के लिए ज़रा कमी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमैरा। उसके पास खोने के लिए थोड़ी सी कम चीज़ें होती हैं, इसलिए गरीब इंसान, दुनिया के अगर आप 100 अमीर लोगों की कहानी पढ़ेंगे ना, तो वो सारे गरीब ही थे। वजह क्या, वो डरता नहीं, वो एकदम से जंप कर जाता, कहता कुछ तो है ही नहीं खोने के लिए, तो गो अहेड विद इट। तो आप किसी भी दुनिया के अमीर शख्स को देख लें जिन्होंने कोई भी बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किया था, कोई प्याज बेचता था, कोई कुछ करता था, कोई मजदूर था, कोई अनपढ़ था, उसका ताल्लुक तालीम से, तजर्बे से, पैसे से, कुछ से भी नहीं था। उसका ताल्लुक इससे था कि वो डरता नहीं था और वो कुछ करना चाहता था और वो क्रिएटिव था, डिटरमिंड था, वॉट एवर द नेम्स यू कैन यूज़। सो गरीब इंसान जो होता है उसके पास तालीम भी नहीं होती नॉर्मली, तजर्बा भी नहीं होता। अब सारे गरीब एक से नहीं होते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सारे गरीब एक से नहीं होते हैं। अच्छा, एक गरीब वो शख्स है जिसमें विल और इरादा है। 90% जो गरीब हैं वो कौन से गरीब होते हैं, जो इस बात पर हैप्पी होते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब है और हम तो पैदा ही गरीब हुए। आप अपने घर में काम वालियाँ देख लें, आप खैर उनको तो बेचारियों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देख लें, उनके अंदर वो विल और वो इरादा ही नहीं होता। आप कितना भी पैदा कर लें वो कभी भी उसको बाईपास नहीं करेंगी और वो वही करेंगी जो वो करना चाहती हैं। सो गरीब की अगर मैं बात करती हूँ तो गरीब अनपढ़ भी होता है, गरीब जो होता है नॉर्मली एक काम कर रहा होता है, या बीवी या मियाँ एक नशाई कर रहा होता है, इनके बेतहाशा बच्चे होते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा उनको वो उनका एवरी डे बेसिस पर हिसाब चल रहा होता है, आया खाया कमाया उनको दे दिया, नहीं हुआ तो भूखे सो लिए, और इसके बाद अगर उनको नहीं मिलता तो वो चोरी चकारी कर लेते हैं, मांग लेते हैं, उनकी इज्जत नफ्स भी नहीं होती ज़्यादा, सो दे आस्क फॉर मनी और इसी तरह उनकी ज़िंदगी के दिन पूरे होते रहते हैं। सो ये गरीब तबका है, मगर अगर ये करने पर आए तो ये मिरेकल्स कर सकता है, मगर इनको जिताना ये बताना बहुत मुश्किल काम है बिकॉज इनके अंदर गुलामी अंदर तक बैठी होती है। और एक होती है ईजी अर्न इनकम, ईजी अर्निंग क्या होती है, मैं अगर भीख मांग के अस्तग़फ़िरुल्लाह पैसे कमा लूँ तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं इतनी मेहनत करके पैसे बनाऊँ। ओनली 10% विल एग्री टू डू बिजनेस, यू हैव टू गो थ्रू, दैट्स द वे इट इज़। थैंक यू वेरी मच फरिया माहम, ये तो सबके साथ है और हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ अवेयर कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आगे ही से खुल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समझाने के अंदाज से समझी जाती हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि एक अच्छा दूसरा, आप ये जब अपॉर्चुनिटी सारी इस तरह बताते हो तो आपको देखना है उसकी नीड भी क्या, आप उसको हिट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनी हाउ,
متوسط طبقے یا میڈیوکر طبقے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر پڑھ لکھ جاتے ہیں، مصیبت سب سے بڑی ان کی پڑھائی بن جاتی ہے، وہ ان کو اپنے ارد گرد لوگوں کا سوسائٹی کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک اور چیز یہ پتہ لگتی ہے کہ پڑھ لکھ کر ہم صرف نوکری کر سکتے ہیں، ان کا ذہن صرف نوکری، کیونکہ دیکھیں تعلیم میں کے ادارے میں جب بھی آپ رہیں، آپ پڑھے لکھے ہوں، آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ بزنس کرنے کے بارے میں، تو بزنس اسٹڈیز آپ پڑھتے ہیں مگر وہ اینڈ اپ کہاں کرتی ہیں، وہ اینڈ اپ وہیں کرتی ہیں کہ آپ نوکری کیسے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کیسے اچھے بن سکتے ہیں، آپ کو آپ کی سکلز کا کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو کوئی بھی شاباشی نہیں دے گا، آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ ویری گڈ، تم مجھ سے آگے نکل رہے ہو تو تم مجھ سے زیادہ کامیاب ہو گئے، تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو گئے، شاباش مجھے بائی پاس کرو، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، یہ میں عام زندگی میں کبھی بھی آپ کا مالک آپ کی تعریف نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ سو میڈیوکر طبقہ کیا کرتا ہے، میڈیوکر طبقہ پڑھ لکھ جاتا ہے اور یہ پڑھائی اس کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، کیونکہ یہ اس طبقے میں آ جاتا ہے جو جاب کا طبقہ ہے، جو قید کا طبقہ ہے، جو باؤنڈ ہونے کا طبقہ ہے اور جو غلامی کا طبقہ ہے، سو وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھیں بہت سی پاورز ایسی ایسی ہیں جب آپ اس ادارے میں ہو تو پھر بھی آپ باؤنڈ ہوتے ہو، آئی ایم ریئلی گڈ، یا اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ میڈیوکر طبقے میں آ گئے، ایک آپ نے یہ کر لیا، میڈیوکر طبقہ اور کیا غلطیاں کرتا ہے ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ میڈیوکر طبقہ جو دوسری غلطی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک تو جاب کرتا ہے، دوسرا اس طبقے میں قسطوں پہ چیزیں لینے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں امیر ہونے میں اور امیر دکھنے میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت شکریہ فاطمہ، امیر ہونے میں اور امیر دکھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ امیر ہونا کیا ہے؟ امیر جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شو آف نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو آرٹیفیشلی امپریس نہیں کرتے ہیں کسی چیز سے، بیکاز دے نو دے ہیو گاٹ ایوری تھنگ، سو وہ بہت زیادہ آپ دیکھ لیں نئی گاڑیاں نہیں لیں گے، وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں گے، ان کی کوئی گھٹے گی نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ غریب بندہ قسطوں پہ گاڑیاں لے گا، لوگوں کے آگے شو مارے گا، متوسط شخص اپنی زندگی میں ایک گھر بناتا ہے قسطوں پہ کیونکہ وہ نوکری پیشہ ہوتا ہے، دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ بیہائنڈ اٹ۔ امیر شخص کیا ہوتا ہے، وہ ایک گھر تو اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ کتنے گھر لے کر رینٹ پہ دیتا ہے، تو امیر اور غریب میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہمیرا، بہت شکریہ۔ اوکے سو متوسط طبقے کی دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے قسطوں پہ چیزیں لیتا ہے، اور قسطیں آر لائک گناہ، دے آر لائک، مطلب آپ اس کو جب بھرتے ہیں تو اس پر آپ ایکسٹرا اتنا پے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز جب آپ کی اپنی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، جب آپ پے آف کر دیتے ہیں تو اس کی وہ کتنا ڈی ویلیو ہو چکی ہوتی ہے، سو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرے کام جو یہ لوگ کرتے ہیں متوسط طبقے کے لوگ، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی واقعی طرح ہوتا ہے، یو ہیو ٹو پے دیم آفٹر ورڈز۔ پے کا کیا مطلب ہوا، میں ایک جگہ پہ گئی اور مجھے ایک 10,000 کا جوڑا پسند آ گیا، میں نے کریڈٹ کارڈ سے اس کو لے لیا اس وقت جذباتی ہو کر، یا 20,000 کا لے لیا جذباتی ہو کر، یا اس سیلز پرسن نے مجھے اتنی تعریف کر دی کہ یہ لاسٹ پیس ہے اور اگر میں نہیں لوں گی تو پتہ نہیں دنیا فنا ہو جائے گی، سو آئی جسٹ بوٹ اٹ۔ اور جب آپ جیب سے وہ 10 یا 15,000 روپے نکال کر وہ گن کر پیسے دیتے ہیں تو یو ڈیفینیٹلی ہیو اے سیکنڈ تھاٹ کہ میں اس کو لوں یا نہیں لوں۔ سو جو کریڈٹ کارڈ ہے یہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ خرچ کروا دیتا ہے، اس کے اوپر ایسی لائبریری، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اتنے کی پرچیزنگ کر لیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایکچولی اٹس اے میز، اور آپ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ سو آئی بلیو کریڈٹ کارڈ کا استعمال، آئی ڈونٹ لائک، میں خود بھی ڈیبٹ کارڈ یوز کرتی ہوں، وہ بھی کرنا کرتی ہوں، بٹ پیسے کمانا بہت بڑا کمال نہیں ہے، پیسے کو سیو کرنا اس سے بڑا کمال ہے۔ تیسرے طبقے کی بات کرتے ہیں جو امیر طبقہ ہے۔ اب ہم بہت سے امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ امیر کیوں ہیں، وی گیٹ جیلس، وی فیل بیڈ اباؤٹ دیم۔ جو لوگ چوری کرتے ہیں، چکاری کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے، دے فیل ایل اباؤٹ دیم کہ یار ان کے پاس کیوں ہے۔ اب آپ سوچیں وہ شخص امیر کیوں ہے اور وہ کیا چیز ہے جس نے اس شخص کو امیر بنایا۔ دیکھیں ایک عمارت ہوتی ہے جو آپ کو اپنے فور فادرز سے ملتا ہے، پیسہ یا کوئی بزنس یا کچھ، آئی انڈرسٹینڈ یو آر لکی ونس۔ ایک چیز ہوتی ہے
और दूसरा चीज़ ये होती है आप उसको कितना संभाल के रखते हैं, उसको और कितना ग्रो करते हैं। जो आपके अबाव अजदाद एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे उसको लेटेस्ट दुनिया के साथ आपने कितना चेंज किया। ये दुनिया बदलते लोगों की दुनिया है। बदलते लोगों का मेरे से मुराद ये है कि जितनी जिद्दत और जितनी तेज़ी के साथ इस दुनिया के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हूँ हुमैरा, आई टोटली अग्री विद यू। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अपने अर्थ कर। अच्छा जी, सो जो वक्त के साथ नहीं बदलता वक्त उसको बदल देता है। अब जिस तरह से ये पीरियड क्वारंटाइन का चल रहा है और इसके अंदर जो लोग डिजिटल नहीं होंगे, जिन लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ नहीं किया और वो पहले ओरिफ्लेम या कुछ और कर रहे थे और वो अपने घर में डिप्रेस्ड बीमार रोना कर्स करने को बैठे हुए, उन्होंने एक और ऑप्शन को टच करने की कोशिश नहीं की। इट्स देयर फॉल्ट, एक्चुअली ऑप्शन इज देयर, यू हैव टू यूज इट। तो सेम इज द केस कि अमीर शख्स क्या करता है, अमीर का फॉर्मूला क्या होता है कि अमीर हमेशा उस फॉर्मूले पे काम करता है कि उसके लिए लोग काम करें, उसके लिए वो एक ऐसे फॉर्मूले पे काम करता है जिसके उसके साथ लोग जुड़ें। और जब जिस काम के अंदर बहुत से लोगों का रिस्क आपके रिस्क के साथ जुड़ जाता है तो आप कामयाब होते ही होते हैं। ये तो परफेक्ट बातें हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो अगर आप जॉब करते हैं तो आप अकेले कमा रहे हैं अपना रिस्क, ठीक है, और आपकी वो इंटेंशंस भी ऐसी नहीं होंगी। जब आपके साथ बहुत से लोग काम करते हैं तो बहुत से लोगों का रिस्क आपके रिस्क के साथ जुड़ जाता है और सब सिंसेयर तरीके से अपना रिस्क कमाना शुरू हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली वो एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। दूसरा, अमीर एक बड़ी ही कमाल बात करता है जो आम लोग नहीं कर सकते और सोचते नहीं है, इसलिए वो मतवस्त और गरीब होते हैं। अमीर शख्स जो होता है उसका मैं एक जो परफेक्ट अच्छा अमीर शख्स होता है जिसे आप मतलब अरब खरबपति कहते हैं, वो एक वक्त में 6 परफेक्ट काम करता है, 6 परफेक्ट बिजनेसेस कर सकता है। और आप अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं, सो मैं पढ़ रही थी इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी, उस दिन उसके इतने काम हैं जिसके अंदर एक उसकी नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी कंपनीज हैं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आप मियां मंशा को देख लें, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो कभी कपड़े का काम कर रहे हैं, कभी किसी और चीज़ का काम कर रहे हैं। सो इट्स डिफरेंट वेरिएशंस। सो अमीर शख्स जो होता है वो कभी एक बिजनेस पे रिलाय नहीं करता। फर्ज करें मैं एक काम करती हूँ और मेरे फार्म हाउसेज हैं और कोई एक ऐसी मेरे कैटल फार्म है और कोई एक ऐसी बीमारी आ गई मेरे जानवरों पर कि मेरे सारे जानवर मर गए और अब क्या करूँ, मैं बिजनेस बंद करके बैठ जाऊँ, मेरे तो जानवर मर गए हैं और मेरा इतना नुकसान हो गया। अमीर शख्स का अगर एक कैटल होगा, देखिए ये तो मैं बड़ी एग्जांपल दे रही हूँ, एक छोटी एग्जांपल को देखें तो उसकी अंडों की दुकान भी होगी, उसकी फलों की दुकान भी होगी, उसकी सब्जियों की दुकान भी होगी, तो मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ में काम करें, वो 24 घंटे में बाउंड नहीं है। अगर वो नौकरी कर रहा होगा उसके पास तो कभी इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो ये चीज़ सोचे। अमीर शख्स के पास टाइम होगा, वो मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर सकता होगा, उन्हीं 24 घंटों के अंदर वो अपना बॉस होगा, वो डिफरेंट चीज़ों पर से काम करके उसको अपने लिए बेस्ट यूजफुल बना सकता है। सो अमीर और गरीब जो है उसका हमें फ़र्क समझना है, हमने अपने आप को कैटेगराइज करना है हम किस मैंटालिटी के लोग हैं। मैं गरीब की बात करती हूँ, गरीब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लाइबिलिटीज़ बढ़ाता है। लाइबिलिटीज़ क्या, उसकी पहली बड़ी होती हैं, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, और इतने काम उसने करने होते हैं, वो उसमें और क्या बढ़ाता है कि यार मैं एक बाइक ले लेताहूँ किस्तों पे, मेरा जो फ़ोन है ना वो मैं लोगों को दिखाने के लिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं। देखिए गरीब आप जेब से नहीं होते, आप दिमाग से गरीब होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें करने के लिए यार मैं आईफोन ले लेता हूँ किस्तों पे, मेरा ख्याल है मैं आईफोन से मेरा रोग ज़्यादा पड़ेगा और किसी को क्या फ़र्क पड़े आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपका फ़ोन सुन सकता है, आप उससे काम कर सकते हैं, ये बेटर अप्रोच होगी मेरे हिसाब से। सो गरीब अपनी लाइबिलिटीज़, जो दिमागी गरीब शख्स होगा अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ाएगा, अच्छे कपड़े ले लिए, अच्छा खाना खा लिया, अच्छे सैर कर लेते हैं, हर साल के बाद कर्जा लेकर सैर कर लेते हैं, वो इस तरह की हरकतें करेगा। अमीर शख्स अपने एसेट्स बढ़ाएगा। गरीब शख्स की अगर गाड़ी है, उसने अगर ली है 50 लाख की गाड़ी मतलब किस्तों पर, और उस गाड़ी को गाड़ी जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर वेयर एंड टेयर आ रही है, वो डी वैल्यू हो रही है, मगर अमीर शख्स क्या करेगा, उस गाड़ी को रेंट कार पे दे देगा। एक डिफरेंट वे ना कि उससे वापस क्या आ रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है। सो अमीर और गरीब का ये जो फ़र्क है, ये जो ज़हनी फ़र्क है, ये इनको लीड कर देता है अमीर और गरीब लेवल पर रहने पर।
सो अमीर हमेशा अपने एसेट्स पर काम करेगा और गरीब लाइबिलिटीज़ पर काम करेगा। यहाँ हमें ये खुद सोचना है कि हम किस ज़मरे में आते हैं और हम कहाँ पर आते हैं। सो ये तो प्रेजेंटेशन मैंने आपको प्री प्रेजेंटेशन दी ओरिफ्लेम की बिजनेस और इसकी, और ये बताने के लिए कि लाइफ में और इस पीरियड के अंदर जब हम लोग घर बैठे हुए हैं तो हम कितने अच्छे तरीके से अपने लिए काम कर सकते हैं। अब इसी का मैं अगला पार्ट पर चलती हूँ। मेरे लिए ओरिफ्लेम क्या लेकर आया है, 2009 के अंदर मैं 2009 से पहले एक टीचर थी। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ तो मैंने एमफिल किया हुआ है फिलोसफी में, मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया हुआ है, मैं टीचर रही हूँ 6-7 साल एक प्राइवेट स्कूल की, मैं एजुकेशन की स्ट्रीम को प्रिपेयर करवाया करती थी। और बाय चांस एक दिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि मेरे पास एक कैटलॉग आई, जिस तरह से आपने ओरिफ्लेम की कैटलॉग देखी भी, और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कैटलॉग क्या है और कैसे क्या चीज़ है, ये नथिंग। और मुझे जिसके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आई, शी वॉज़ माई सिस्टर इन लॉ, वो हेड हंटर थी और उस वो रिक्रूट करती थी, तो ओरिफ्लेम ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया था कि आप हमारा पूरा स्टाफ रिक्रूट करें। तो उन्होंने जब उनका पूरा स्टाफ रिक्रूट किया तो एज अ कर्टसी दे सेंड अस एन इनविटेशन, और वो इनविटेशन जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दे दिया और कहती हैं कि हम दोनों मिलकर चलते हैं। तब मेरा बेटा 2.25 साल का था, मैं टीचिंग सेक्टर में थी एंड आई यूज टू लव टीचिंग, मुझे क्रिएटिविटी टीचिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैंने टीचिंग करियर को, और मुझे लगता था मैं बहुत खुश थी अपने काम में, मैं आपको सही बता रही हूँ, जबकि मैं सुबह उठती थी और मैं शौक से टीचिंग किया करती थी बड़े आइडियाज़ के साथ और सब कुछ। सो मैंने जाकर एक रॉयल पाम में फर्स्ट मीटिंग हुई थी ओरिफ्लेम की 2009 के अंदर, और उन्होंने 100 लोगों को अपने साथ मेंबर बनाने की दावत दी थी और मैंने तब ओरिफ्लेम की मेंबरशिप ली थी। मेरा कंसल्टेंट नंबर, मतलब जो उस वक्त का ज्वाइनिंग नंबर है, वो 19 है। तो मैंने तब ओरिफ्लेम के साथ मेंबरशिप ली, और जब मैंने मेंबरशिप ली और उसके बाद मैं घर आ गई, 2 दिन की हमारी वो एक बहुत अच्छी रॉयल पाम के अंदर ट्रेनिंग थी, और उसके बाद हमें गिफ्ट हैम्पर्स दिए, उन्होंने खाना पीना था, सर्टिफिकेट दिया, हमने उधर ही ऑन द स्पॉट मेंबरशिप ली और दिल्ली को ख़त्म हो गया सिलसिला। मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, बच्चों में बिज़ी हो गई, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कौन है ओरिफ्लेम और किधर गया ओरिफ्लेम। और उसके कुछ अर्से के बाद गुलबर्ग के अंदर लिबर्टी राउंड अबाउट पे हमारा एक ऑफिस ओरिफ्लेम का तब क्रिएट हुआ, अब तो गार्डन टाउन में। तो एक दिन मैंने बिलबोर्ड देखा ओरिफ्लेम का एंड आई वाज सो एक्साइटेड, यार ये तो वही कंपनी है। तो मैंने अपनी सिस्टर ने लॉ को कहा लेट्स गो एंड विजिट द कंपनी, हम देखते हैं। मैं वहाँ गई, मैंने अच्छी बड़ी चीज़ें लेकर घर आ गई। अच्छा, मैं टीचर थी, टीचर नॉर्मली क्या करती थी टीचिंग सेक्टर में, आप अक्सर जब छोटे बच्चों को टीच करते हैं आप हाथ से बोर्ड रख करते, तो मेरे हाथ बहुत ड्राई हो जाते थे। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हैंड क्रीम, तो मैं वहाँ गई तो एक हमारी हैंड क्रीम होती थी जो आमंड्स और शिया बटर से मिलकर बनी हुई थी, अब वो नहीं आती है, तो मैंने वो ली और इस तरह फुट क्रीम ली, और तब मैं इतना मेकअप तो नहीं करती थी, और मैं और इस तरह की मैंने चीज़ें लेकर जो है वो घर आ गई। मैंने घर आकर अपनी सिस्टर इन लॉ ने यूज़ की, मैंने कहा दिख बताना कैसी है, और खैर एनीवेज यहाँ से मेरा ओरिफ्लेम का एक्चुअली सफ़र शुरू हुआ। और फिर जब मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम चीज़ें लेने गई, मैंने यूज़ की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा नेक्स्ट टाइम जाना इस बात की वो थी कि मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी। देखिए, आप दुनिया में कभी भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उसका रीज़न ये नहीं होता कि आप वो चीज़ क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न होता है वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू है उस चीज़ की आपके लिए। आप कोई भी चीज़ जब दुनिया में बाय करते हैं, मैं एक दुनिया में एक बात तो मैं आपको क्लियर करूं पहले, हर इंसान कुछ बेच रहा है, हर इंसान। सो व्हेन पीपल ज्वाइन ओरिफ्लेम दे नॉर्मली से वन मोर थिंग कि हमें बेचना नहीं आता, हम बेचते नहीं, पहली बात हम बेच इस तरह बेचते तो कुछ नहीं, पर दुनिया में हर शख्स जो है वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अगर आप मोबाइल कंपनी की बात कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, अगर आप किसी बहुत बड़े सैफायर ब्रांड की बात कर रहे हैं तो वो कपड़े बेच रहे हैं, अगर कोई औरत घर पे कुकिंग कर रही है तो वो खाना बेच रही है, अगर आप बात करते हैं किसी की मिल की और वो कोई चीज़ वहाँ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो चीज़ बेच रहे हैं, कोई लोग अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो दुनिया का सारा सिस्टम बेचने से है, मगर आप जब चीज़ लेते हो तो उसका ताल्लुक उस चीज़ से है, वो चीज़ आपको वैल्यू कितनी दे रही है,
वैल्यू का क्या मतलब है, मेरे लिए पहले ओरिफ्लेम एक प्रोडक्ट थी और मैं प्रोडक्ट से मुतासर होकर दोबारा प्रोडक्ट लेने गई, मगर आज मेरे लिए ओरिफ्लेम की वैल्यू बिल्कुल फ़र्क हो गई है। प्रोडक्ट तो है ही है, मगर अब मेरे लिए ओरिफ्लेम उसके प्रोजेक्ट की सूरत में बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और मैं इससे हर महीने एक अच्छी आमदनी कमाती हूँ। वो सफ़र जो एक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हुआ था, एक बिल्कुल बगैर किसी सोच के शुरू हुआ था, आज मेरे लिए इतनी बड़ी इनकम है कि मैं सेकंड अर्नर ऑफ पाकिस्तान हूँ, नंबर फोर्थ पे हूँ, फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ और मैं अपने साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ से मेरा सफ़र ओरिफ्लेम का शुरू हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँगी ये कंपनी है क्या और ये कंपनी काम कैसे करती है। मैंने इसलिए इसको पेज से रखा था ताकि मैं मैसेज को टच कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि व्हाट ओरिफ्लेम इज और उसकी क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो बहुत से लोगों को हैं। आपने मुझे बहुत सी दफ़ा देखा होगा लाइव और मैं नॉर्मली प्रोडक्ट सेल नहीं करती, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स, फ़ायदे और अवेयर करती हूँ लोगों को रिगार्डिंग स्किन, रिगार्डिंग उनके प्रॉब्लम्स एंड आई ट्राई टू हेल्प। सो ओरिफ्लेम इज इन अदर वर्ड्स आई एम रिप्रेजेंटिंग माई ब्रांड एंड ओरिफ्लेम इज हेल्पिंग पीपल। मिलियंस ऑफ लोगों को ओरिफ्लेम पूरी दुनिया के अंदर हेल्प कर रहा है विद टू डिफरेंट ऑप्शंस। वन इज अ प्रोडक्ट जो हमारी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जो भी आपको हैं, एंड वन इज द बिग प्रोजेक्ट जो वो कंपनी आपको दे रही है। सो ओरिफ्लेम कौन कर सकता है? ओरिफ्लेम कोई भी कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो घर बैठी औरत है, वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकती वो औरत है, वो उसने कभी काम नहीं किया वो औरत है, वो ऐसी औरत है जिसने काम किया है, वो ऐसी औरत है जो बच्चों की माँ है, वो ऐसी औरत है जो अपने घर के हालात घर बैठ कर ठीक करना चाह रही है, अपने घर से निकलना नहीं चाहती, अपने उस सिस्टम को ख़राब नहीं करना चाहती। मैं भी घर से बैठ कर आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा भी एक सिस्टम है, मेरा भी एक घर है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ शायद वक्त का है कि मैंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा दिया होगा, एंड दैट्स इट। सो ये कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी मर्द भी कर सकता है। मेरे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुछ मर्द हज़रात रिस्पेक्टेबल वे में मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ वाकई काम सीरियसली कर रहे हैं। सो ये मर्द, औरत, स्टूडेंट, यंग अडल्ट, कोई भी शख्स रिटायर्ड कर सकता है। कंपनी ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई भी किसी को कि ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता। यू वॉन्ट टू डू इट, इट्स लाइक एक ऐसी आपकी विल है, आप में पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, तो यू आर इन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सबसे पहली बात। सो मैं इसी बात को आगे ले जाते हुए बात करूँगी ओरिफ्लेम की। ओरिफ्लेम का मतलब क्या है? हमें किसी भी जगह पर काम करते हैं तो उसका उस चीज़ का मीनिंग, इंसानों के नामों का मतलब उसको उनको रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से। ओरिफ्लेम का मतलब है फ्लेम ऑफ विक्ट्री या जीतने की फायर। अब हर इंसान जो है वो चाहता है वो कामयाब हो, हर इंसान चाहता है वो जीते, सक्सेसफुल हो, उसका नाम लोग लें और उसकी उसकी एक लेगेसी पीछे रहे कि लोग उसके नाम से उसको याद रखें। और बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको उनके नाम से लोग याद रखते हैं। सो ओरिफ्लेम के अंदर हम वो अपॉर्चुनिटी हर उस शख्स को देते हैं जो उनको उनकी लाइफ चेंज हो, जिस जहाँ से और वो अपना नाम पैदा कर सकें, उनको उनके नाम की वजह से, उनके काम की वजह से लोग जो हैं याद रखें। बहुत से लोग आजकल के दौर में इस वक्त बहुत परेशान हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आम दिनों में भी बात करें जी ख़ुदकुशी कर रहे हैं लोग और फलाना बेटी की शादी नहीं हो रही। बट आई डोंट नो, व्हाई डोंट यू ट्राई इट? एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर इससे पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं और पाकिस्तान में हमारे पास अपने रंग, अपनी बोली बोलने वाले, अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहन भाई कमा रहे हैं, तो आप लोग उसको ट्राई क्यों नहीं करते और इस अपॉर्चुनिटी से पैसे क्यों नहीं कमाते? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर यू एंड आई एम लीविंग दिस विद यू। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल शुरुआत है, ये मैंने जान के प्री इसको बिल्ड किया जस्ट फॉर अ स्पेशल मदर्स डे इवेंट कि आप लोगों को एहसास दिलाऊँ कि वॉट आर यू लूजिंग एंड वॉट आर यू मिसिंग आउट विद दिस। हम बात करते हैं एक ऐसा चांस जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको हेड ओवर हील्स टोटली चेंज कर देती है, उसका नाम है ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम को किसी भी कंपनी को जब हम बात करते हैं, किसी इदारे की बात करते हैं, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और अपने बच्चे को हमने कहीं दाखिला दिलवाना है, तो हम सबसे पहले उसका पास देखते हैं कि वो कितनी पुरानी है और कब से काम कर रही है, वो एट प्रेजेंट क्या कर रही है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं।
मैं अपने बच्चे को या बच्ची को कभी भी किसी ऐसी ऐसे इदारे में नहीं भेजूंगी जिसका जो आज ही बना हो और आज ही वो खड़ा हुआ हो और आज उसके बाद शुरू हुए। तो सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं, हिस्ट्री की। तो कंपनी जो है, ये जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नज़र आ रहे हैं दो भाई, इनका नाम है योकनिक ब्रदर्स। इन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी 1967 में। इनका ताल्लुक स्वीडन से है और इनमें से एक भाई जो है वो पिछले दिनों इनका जो है वो फौत हो गया। अच्छा जी, जब इस कंपनी की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त 1967 की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त दुनिया में बहुत सी चीज़ें होकर गुजरी थी, वर्ल्ड वॉर्स, बहुत से पेंडामिक्स उस वक्त आए थे और बहुत सी चीज़ें दुनिया के अंदर ऊपर नीचे चल रही थी और बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो लोग जिस तरह अभी आपने देखा है कि इस सिचुएशन के अंदर बहुत से लोग ऑर्गेनिक हो गए हैं, नेचुरल हो गए हैं, इम्यून सिस्टम पर काम कर रहे हैं। आपने देखा है चूँकि फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सी चीज़ें बंद हो गई, तो हमारी हवा कितनी क्लियर हो गई, पोल्यूशन कितनी कम हो गई, आपको कितनी सफाई नज़र आ रही है। तो सेम उस वक्त के हालात में भी लोग एकदम से इतनी तबाहकारियों से, वर्ल्ड वॉर की और बहुत सी चीज़ों से एकदम से डर से गए थे कि ये जो चीज़ें केमिकल्स हैं दे कैन बी सो बैड। सो कंपनी ने जो अपनी प्रोडक्ट की बुनियाद थी उसको रखा और नेचुरल प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ द के ये जो साइंटिफिकली जो दरियाफ्तें उस वक्त हो रही थी और वो एक रॉन्ग उसमें हो रही थी बॉम्ब्स की सूरत में और इन चीज़ों में। तो उन्होंने देवर पाइनियर्स इन नेचुरल प्रोडक्ट्स या के इसमें के किसी किस्म के केमिकल्स ना यूज़ करें, तो इसके अंदर ये लोग एक्स्ट्रैक्ट्स को नेचुरल यूज़ करने में पाइनियर्स थे। और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट उस वक्त में। और ये इन्होंने कॉन्सेप्ट क्यों दिया उसकी भी मैं बात करती हूँ। वो था पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने उस वक्त दिया। अब ना व्हाट इज़ पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन, थोड़ा सा इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगी। पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन इज दिस कि ये मेरे पास दो तरह के मार्कर्स मौजूद हैं। ये मार्कर हमारा है ट्रेडिशनल मार्केट का या आम मार्केट का मार्कर है, एंड आई जस्ट बॉट दिस एंड आई एम यूजिंग इट। एंड मेरे साथ एक मेरी टीचर हैं और वो मुझे कहती हैं कि मार्कर कैसा है डॉलर का। मैं कहती हूँ अच्छा मार्कर है, बड़ा इजीली रिमूव हो जाता है, इसका जो है वो स्टेन नहीं पड़ता और बड़ा अच्छे से ड्राई एकदम से हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। मेरा मार्कर ख़त्म हुआ, मेरी कहानी भी ख़त्म हो गई और मैंने उनको रिकमेंड कर दिया। उनको रिकमेंड करने से मेरा कोई बिज़नेस शुरू नहीं हुआ और मेरा कोई बजट नहीं था जो इस कंपनी ने डॉलर में रखा हो, और मैंने इसको प्रमोट कर दिया बहुत से लोगों को। और इसके बाद ये मेरे पास एक और मार्कर मौजूद है, फ़र्ज़ करें ये किसी प्रिंस कंपनी का मार्कर है, मगर ये एक ट्रेडिशनल मार्केट का मार्कर था। ये ट्रेडिशनल मार्केट का मार्कर नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मार्कर है। अब इस कंपनी के अंदर क्या मुझे फ़ायदा होगा, इस कंपनी के अंदर मुझे प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, मेरी ख़त्म होगी, जब मेरी प्रोडक्ट ख़त्म होगी तो मेरा बिज़नेस शुरू होगा। मैं अपने सर्कल और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करूँगी कि ये प्रिंस का मार्कर है यार, आई एम यूजिंग इट, आई रियली लाइक इट, एंड यू कैन सी द वे आप यू हैव सीन माई प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी से बनी थी। एंड मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस मार्कर को लें, और अगर आप मेरे साथ मेम्बर बन के लेते हैं तो यू विल गेट सर्टन बेनिफिट्स अगेन, एंड आई विल गाइड यू कि आप आगे इसको कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हर शख्स का बजट रखा जाता है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप वही काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं और आपका बजट कोई नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। मार्कर यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद भी आप शेयर कर रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको हर तरह का विन विन सिचुएशन मिल रही है, साबुन से लेकर, शैम्पू से लेकर, कंडीशनर से लेकर, परफ्यूम से लेकर, लिपस्टिक से लेकर, घर की हर चीज़ से लेकर, इवन ड्राई वाटर जो बच्चों को दिया जाता है वहाँ से ऑनवर्ड्स भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको पास करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं और लोगों की करोड़ों रुपए की मसनूआत बेच देते हैं, कहकर ये अच्छी हैं ये बुरी हैं, एंड वी गेट नथिंग आउट ऑफ इट। सो कंपनी ने उस ओरिजिनल की अगर मैं बात नहीं करती तो 1929 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था जो बिजनेस और जॉब से एक तीसरा कॉन्सेप्ट था, जिस तरह आप ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। आज से सालों पहले अगर मैं अपने दादा से पूछती जी ऑनलाइन कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि पागल हो गई है। फ़ोन, जिस तरह आजकल एक फ़ोन दुनिया को कनेक्ट किया गया, पुराने ज़माने में कोई फ़ोन मौजूद नहीं था। अगर आप किसी को उस ज़माने के शख्स को फ़ोन की बात करते तो वह हैरान होकर पूछता जी एक्सक्यूज़ मी आर यू ओके, एक ऐसी डिवाइस दुनिया को कैसे कनेक्ट कर सकती है। सो
वहाँ से आया एक कॉन्सेप्ट जिसको उस वक्त की दुनिया को के हालात को को मद्देनज़र देखते हुए लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की गई, उसको ट्रेडिशनल मार्केट से अलग किया गया। उसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। सो ओरिफ्लेम ने ऑप्ट किया कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनेंगे। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग और जो है, जिसकी मैं पहले भी बहुत सी दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में रेफरेंस का बिज़नेस कहते हैं या रिकमेंडेशन का बिज़नेस कहते हैं, या आप लोगों को फैमिली फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं चीज़ें, और ये आप वैसे भी कर रहे हैं, इसके लिए कोई आपने स्किल नहीं ली, इसके लिए कोई डिग्री नहीं मिलती, ये आप करते हैं। हम सबके पास मुँह है, हम मशवरे देते हैं, इसको मशवरे का कारोबार आप कह सकते हैं। सो कंपनी ने जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन से इस प्रोडक्ट इस बिज़नेस को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक पैटर्न दिया, और जो कोई भी इसको ज्वाइन करेगा, जो कोई इसका मेंबर बनेगा या जो कोई इसको रिकमेंड करेगा, उसको हम फ़ायदा देंगे। सो दैट वॉज अ सिंसेयर चीज़। देखिए, हम मेरी जेब से पैसे निकलवाते हैं तो आप सिंसेयर हैं, डलवाते हैं। तो कंपनी ने कहा कि मैं आम मार्केट में तो निकलते हैं, यहाँ हम आपकी जेब में पैसे डालेंगे उन तमाम चीज़ों के लिए जो आप वैसे भी कर ही रहे हैं, जिस पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। सो अभी भी आप देखें, मैं अगर बात करूँ, आपने ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगानी होती है तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। आप अगर कोई भी चीज़ मंगवाते हैं किसी से भी, अब इवन आपको कोई भी नहीं मिलता और आप शॉपकीपर के पास खड़े हैं, तो आप उससे बात पूछते हैं कि आप बताइए कि ये मैं कौन सा वाला लूँ, कौन सा आपका ज़्यादा बिकता है, कौन सा ज़्यादा अच्छा। बिकॉज लोगों की राय का हम पर असर होता है, लोगों की बातों का हम पर असर होता है। आप बिलबोर्ड्स और एड्स देखकर चीज़ें नहीं लेते, इस चीज़ को आपको अपने जहन से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम कोई ऐड देखकर चीज़ लेते हैं, नहीं, हम ऐड देखकर नहीं लेते, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछने के बाद, उनकी राय के बाद चीज़ लेते हैं। फर्ज करें, मैंने अपने घर के अंदर एक कुछ भी लगाना, एक्स वाई जी लगानी है, मैं किसी का वो चीज़ देखूंगी। फर्स्ट करें, मैंने को गाड़ी लेनी है, मैं किसी से पहले पूछूंगी कि तुमने गाड़ी यूज़ की, इसकी माइलेज कैसी है, इसका फलाना कैसा है, इसकी पेट्रोल कितना खाती है, ये मतलब इसकी वेयर एंड टेयर पे कितनी कॉस्ट आती है, सारी चीज़ें पूछूंगी, फिर मैं गाड़ी पे इन्वेस्ट करूंगी। क्योंकि मैं उस दुकानदार से नहीं पूछूंगी, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछूंगी, इज़ इट वर्थ इट टू बाय इट। इसी तरह से आप अपने घर में कोई भी चीज़ लगाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, आप 10 लोगों से मशवरा करेंगे, फिर वो चीज़। आप ऐड देख कर वो काम नहीं करते, ऐड का असर होता है, मार्केटिंग का बहुत बड़ा बजट है, मगर आप बाय माउथ रिकमेंडेशन से चीज़ें लेते, इस्तेमाल करते और स्प्रेड करते हैं। सो बिज़नेस सारे का सारा आया बाय माउथ रिकमेंडेशन पर। सो ये तो कंपनी का पास था 1967। कंपनी ने अभी तक हिस्ट्री एंड प्रेजेंट की बात करें तो कंपनी क्या कह रही है? अब अगर एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में मौजूद नहीं है, जिसके बिलबोर्ड्स नहीं है, जिसका एड नहीं है, जिसकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, उसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। एक्चुअली वो तो आगे रहती ना, उसको तो बिज़नेस बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल माइंड सेट ही है। मगर कंपनी आज 65 मुल्कों में काम कर रही है, कंपनी 53 ईयर्स से काम कर रही है, 2009 से लेकर अभी 2020 तक हमें 11 साल तो पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं काम करते हुए। कंपनी में लोग 35 लाख से ज़्यादा एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं, जो अपनी जो है बड़ी बड़ी टेक कंपनी से ले रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। इस पूरी दुनिया में 65 मुल्कों में ओरिफ्लेम की अगर मैं बात करूँ तो लोगों का मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ है, उनका मुख्तलिफ सकाफ़त से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ बोली वो बोलते हैं, मुख्तलिफ ख़त्तों से ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ मौसमों वाली जगहों से ताल्लुक़ है, और वो सब लोग कामयाब हैं। तो वो क्यों कामयाब हैं, वो क्या चीज़ उन्हें कामयाब कर रही है? इतने डिफरेंट हम लोग एक रिलीजन पर हमारा हम एक रिलीजन के होते हुए हमारे इतने डिफरेंसेस होते हैं, एक दुनिया में रहते हुए हमारे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक सोसाइटी में रहते हुए हमारे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ ये कंपनी ऑफर कर रही है कि इतनी दुनिया की इतनी मुख्तलिफ चीज़ें करने वाले लोग इतने कामयाबी से इस काम को कर रहे हैं? उसके पीछे मंतक ये है कि कंपनी उनको कोई फ़ायदा दे रही है, और उस फायदे के पीछे वैल्यू मौजूद है, वैल्यू ऑफ मनी। मैं यहाँ से प्रोडक्ट लेती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ, शुरू में मेरे लिए प्रोडक्ट की वैल्यू थी, आज मेरे लिए बिज़नेस की वैल्यू है। बिज़नेस की वैल्यू क्या है?
आज मैं ओरिजिनल से लाखों रुपए कमाती हूँ, आज मैं ट्रैवल करती हूँ कंपनी के साथ, तो मेरी वैल्यू उस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो बिजनेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। सो दिस इज़ वॉट ओरिफ्लेम इज गिविंग, इट्स चेंजिंग लाइव्स विद अ सिंपल मेंबरशिप, इट्स चेंजिंग लाइव्स। अब इसके अंदर कुछ लोग आगे जाते हैं और कुछ नहीं जाते, वो आपकी अपनी गफलत होती है जिसकी वजह से शायद आप आगे नहीं जा सकते। सो मैंने पाकिस्तान की बात कर दी, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल के इवेंट्स होते हैं, जिस तरह हमारा मैनेजर सेमिनार का क्राइटेरिया भी हो चुका हुआ है और उसका इवेंट भी पूरी पाकिस्तान के अंदर देखने वाला होता है और दुनिया के इवेंट्स भी देखने वाले होते हैं, और हम कोई भी ऐसे केमिकल्स यूज़ नहीं करते जो ह्यूमन फ्रेंडली ना हो, नेचुरल प्रोडक्ट है, हम नेचर और साइंस के कॉम्बो से लेकर आते हैं। चूँकि वी आर फ्रॉम स्वीडन, ठीक है, वी आर फ्रॉम स्वीडन, तो हम आपको ब्यूटी और बिजनेस दोनों देते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं ब्यूटी और बिजनेस की। मैंने 3 दफ़ा स्वीडन जो है वो गई हूँ कंपनी के साथ मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस की सूरत के अंदर। सो मैंने जो स्वीडन के लोगों के बारे में एक चीज़ देखी है, दे आर वेरी फ्रेंडली। नॉर्मली हम लोगों का मतलब मैंने बहुत ट्रैवल भी किया है और आप नॉर्मली देखें तो हमें यूँ एक फीलिंग आती है जिस तरह के फॉरनर्स वगैरह जो हैं वो हमें इतना पसंद नहीं करते। एंड इवन आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएँ तो पाकिस्तानियों को अरब्स भी पसंद नहीं करते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ इन लोगों की, तो अक्सर हमें होता है कि वी दे डोंट लाइक अस और समथिंग लाइक दैट। आप बिलीव करें, मैं स्वीडन जब जब गई हूँ, दे आर सो फ्रेंडली, सो गुड पीपल, सो नाइस पीपल एंड हेल्पफुल पीपल। किसी किस्म का कोई वो आपसे फ़र्क नहीं करते, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, एंड दे आर रियली लाइक यू एंड दे आर वेरी वेलकमिंग। छोटी सी जगह है, इनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है, लाखों में आबादी है, मौसम बहुत अच्छा है, पोल्यूशन ना होने के बराबर है। जब हमारे मुल्क में 900 के करीब स्मॉग थी, उनकी तब भी 1% थी, तो अब तो उनकी ख़त्म ही हो गई होगी आई गेस। और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल से लोग हैं, फल खाते हैं, चॉकलेट सब ईजीली नहीं मिलती उनके मुल्क के अंदर, वो लोग फल दिन में बच्चे 5 तरह के फल खाने को इनक्रेज करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैंने वाहिद कंट्री देखी है यूरोपियन जिसके अंदर माँ बाप नानी दादी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और बड़े कवर्ड गोरे हैं। एक गोरे होते हैं जो आप यूरोप के गोरे देखते हैं, लंदन के गोरे देखते हैं, और एक गोरे होते हैं जो रिस्पेक्टेबल तरीके से ड्रेसअप होते हैं। ऑल टुगेदर आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट। बहुत सी चीज़ें उनके मुल्क के अंदर मना हैं, अडल्ट्री उनके मुल्क के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन इज़ लाइक मतलब इट्स नॉट अलाउड। हाँ, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, उसके अलावा आप हर जगह खुलेआम शराब नहीं पी सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो आई रियली लाइक द थिंग्स। और मैंने इतना ज़्यादा लड़कियों का ग्रुप देखा, लड़के लड़कियां कम देखी, और उसके अलावा नानियां दादियों का स्ट्रक्चर बहुत देखा। सुबह स्कूल शुरू होते हैं 4 बजे तक, 4 बजे हस्बैंड्स की भी पापों की भी ऑफ हो जाती है, बच्चों को लेकर घर आते हैं, तो देर इज़ अ प्योर फैमिली टाइम। तो आई रियली लाइक द होल कॉन्सेप्ट अबाउट दैट कंट्री के बड़े पीसफुल और बड़े अच्छे मैनर में ज़िंदगी गुजारते हैं, मदद करने वाले अच्छे लोग हैं। सो चूँकि वी आर फ्रॉम स्वीडन, तो हम सिर्फ एक चीज़ पर काम नहीं करते। देखिए, आपका हेरिटेज जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कहानी बयान करता है, आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट में हुआ होता है वो आप जगह जगह आपका अच्छा लगता है, आपका पीछे से जो आ रहा होता है वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है। सो चूँकि हम स्वीडन से ताल्लुक़ रखते हैं और उसका हेरिटेज बहुत क्लीन और सिंपल है, तो ओरिफ्लेम की जितनी मसनूआत दे आर इंस्पायर्ड बाय नेचर बिकॉज दे आर टू क्लोज टू नेचर, और वो लोगों का फ़ायदा देखते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको बिजनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। सो चूँकि स्वीडिश होते हुए कंपनी चूँकि स्वीडन के भाइयों की है, तो दे आर वेरी ऑनेस्ट, एक अच्छी वैल्यूज़ के साथ लोगों को एक लो रिस्क इनकम अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जिसके अंदर वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया के लोगों को जो वो डिज़र्व करते हैं, और इसमें ऊंच नीच ना हो, कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है, वो तमाम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और यूटिलाइज़ करें। अब मैं बात करती हूँ ओरिफ्लेम की वो चीज़ों की जो ओरिफ्लेम की वैल्यूज़ को डिटरमिन करती है, जो ओरिफ्लेम को डिफरेंट बनाती है। अच्छा जी, जब ओरिफ्लेम इस दुनिया के अंदर आया तो मैं कुछ चीज़ों को आपको लाइट, आई नो ये लंबी हो गई है, मगर मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी जो कंपनी के बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। चूंकि कंपनी जब आई तो उसका विज़न ये था कि लोगों को हेल्प किया जाए,
लोगों के ड्रीम्स को पूरा किया जाए और साथ अपने भी ड्रीम्स को पूरा किया जाए तो देर इज़ नथिंग बैड इन इट। आप आमतौर पर लोगों को देखते हैं तो अमीर लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने कभी ड्रीम्स पूरे नहीं करते, उनके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं वो कभी ड्रीम्स पूरे नहीं करते, वो लोग काम करते हैं वो ड्रीम्स पूरे करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 90-10 का, 10% अमीर हैं और 90% गरीब हैं। वो 90% लोग अपना 100% देते हैं और वो ज़्यादा 10% के पास सारी आमदनी है और वो बेचारे वहीं के वहीं गरीब रह जाते हैं, ये तो हम सब एग्री करते हैं ना। सो कंपनी ने एक ऐसा प्लान दिया कि हम हर एक को इक्वली वो अपॉर्चुनिटी दें कि अगर उनमें विल और इरादा है, सीखने की कैपेसिटी है, तो वो तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों को यहाँ से पूरा करें। सो ओरिफ्लेम एक प्लान लेकर आया जो पूरे ग्लोब के हर शख्स के लिए, हर मज़हब, हर चीज़ से ऊपर ऊपर था कि इनकम अपॉर्चुनिटी का प्लान, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट लेकर आया जो एक्सट्रीमली सेफ लाइन है, जो ना सिर्फ हमारी प्रोडक्ट नेचुरल है, जो आपको बड़ी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ कंपनी लेकर आई वो ये लेकर आई कि हमारी जो जितनी पैकेजिंग है वो रिसाइकल होने वाली पैकेजिंग है। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से ये दुनिया गंदी हो, हमारी वजह से ये ग्लोब गंदा हो, ऑलरेडी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ सिर्फ हमने नहीं रहना, हमारी आने वाली नस्लों ने भी इस दुनिया, इस ज़मीन के ऊपर रहना है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ओरिफ्लेम की वजह से ये दुनिया गंदी होनी शुरू हो जाए। सो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, हमने इसकी जितनी पैकेजिंग है वो रिसाइकल वाली पैकेजिंग भी, बहुत से लोग भेजते हैं कि आपकी फलानी सील नहीं होती इस पर, ये होती, क्योंकि हम वो वाली सारी पैकेजिंग यूज़ करते हैं जो रिसाइकल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखें हर जगह कपड़े के थैले आ गए, क्योंकि वो रिसाइकलिंग हो सके, ये हो सके, वो हो सके। ओरिफ्लेम का पहले भी जो प्लास्टिक का थैला था वो आज भी हुई है, बिकॉज वो तब भी रिसाइकल हो सकता था, वो आज भी रिसाइकल हो सकता है। सो हमने कभी वो मटेरियल यूज़ ही नहीं किया जो हार्मफुल हो इस दुनिया में रहने वाले लोगों को। हम किसी किस्म का कोई जानवर अपने किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि ये इस दुनिया में रहने के लिए इस दुनिया को एनिमल्स की ज़रूरत है, और ये प्लानट खूबसूरत इन जानवरों की वजह से लगता है। सो हम एनिमल्स को अपनी किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करते, ये हम इसलिए नहीं करते, हम एनिमल राइट्स को देखते हुए इसको यूज़ नहीं करते, हम एनिमल्स के साथ इल ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारी किसी प्रोडक्ट में कोई एनिमल की चीज़ नहीं डलती, ना एनिमल फैट, ना कुछ, क्योंकि हमें एक क्रुएलिटी के उसमें आता है, एंड वी आर नॉट, हमारे अपने एनिमल के एक सर्टन चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। दूसरा, हम दरख्तों को नहीं काटते, क्योंकि हमें दरख्तों की ज़रूरत है, दरख्तों को हमारी ज़रूरत नहीं। हम किसी किस्म की हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हम नेचर प्लांट से ड्राइव करते हैं, बट हम प्लांट्स को यूज़ नहीं काटते। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो अपनी प्लांटेशन करते हैं, और ज़्यादातर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं कि देखें हमारी वजह से अगर हम एक बहुत बड़ा एरिया अपना अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हम पौधे उगाएंगे, और हो सकता है उस जगह पर उससे बेहतर कोई लोगों के ज़िंदा रहने के लिए खाने का अनाज भी उग सके, और लोग ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पे रोटी, गेहूँ, गंदम उगा कर उससे बेहतर, लिविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो वाली अपना फ़ायदा उठाएं, ना कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए इतना जंगल ले लें और उतने एकड़ों पर अपनी ज़मीन उगाएं। तो हम ज़्यादातर प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और ये क्या टेक्नोलॉजी है जो लैब के अंदर बनती है, जिसके लिए कैपेसिटी थोड़ी, जगह थोड़ी यूज़ होती है, रिसोर्स थोड़े यूज़ करते हैं, और वो थोड़े से एकदम से बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती है, और वो बहुत ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसी प्रोडक्ट लाइन हम यूज़ करते हैं जिसमें हम मिनिमम रिसोर्स को यूज़ करें, और वो रिसोर्सेज हम आम दुनिया के लिए छोड़ दें कि दुनिया उससे फ़ायदा उठाए। हमारे जितने भी फैक्ट्रीज हैं 7, वो सोलर पर हैं, हम सूरज को यूज़ करते हैं, हम एनर्जी को यूज़ नहीं करते इस तरह से कि वो किसी और के काम आए, हम उसको इस्तेमाल ना करें। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम बहुत कम पानी को यूज़ करते हैं, बिकॉज वाटर रिजर्व्स पूरी दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं। सो हम अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए कम अज़ कम वाटर के रिजर्व्स को यूज़ करते हैं, ताकि उसका वेस्ट ना हो, और हम जो हैं एक ओरिफ्लेम फाउंडेशन के भी मेंबर हैं, जिसके अंदर हम लोगों को हेल्प करते हैं। हमारी चैरिटी का या हमारी सेल का बड़ा हिस्सा औरतों और बच्चों की सपोर्ट और चैरिटी के लिए भी यूज़ होता है, जो हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और उसके अलावा हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इन्वायरमेंट पर बहुत कम बुरे असरात करें। अब कंपनी आपको 3 चीज़ें देती है जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल
बदलती है, वो तीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको ग्रैब करने के लिए लोग ओरिजिनल को ज्वाइन करते हैं, और जिसमें से मैंने ओरिजिनल को ज्वाइन किया था तो मैं आई थी लुक ग्रेट करने के लिए यहाँ पर, और मैं मुझे नहीं पता था कि मैं हैव फन और बिजनेस दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के साथ चली जाती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ओरिजिनल एक समुंदर की तरह, समुंदर के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, हीरे जवाहरात हैं, हर तरह के, हर साइज़ और हर रंग की मछली है और पानी है। जो बाहर से अंदर जाता है, जो बाहर से अंदर जाता है वो उसका विजन है कि वो क्या लेने जा रहा है। बास लोग जो अपने विजन से, विजन होता है अपने आप क्या चीज़ करने जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। बाज़ लोग अंदर जाते हैं समुंदर में, मछेरे सारा दिन जाल लगाते हैं और वो सिर्फ मछली पकड़ते हैं। उन बेचारों का विजन ही इतना होता है, उनका चप्पा चप्पा पता होता है समुंदर का, मगर उनका विजन क्या होता है, मछली पकड़ो मछली बेचो, मछली पकड़ो मछली बेचो। एक शख्स होता है वो कभी कभी डाइव करता है, वो ज़्यादा डीपर जाता है और वो रिस्क ज़्यादा लेता है, और वो अंदर से क्या निकालता है, हीरे जवाहरात। उसका विजन मछली नहीं होता, वो मछली को नहीं देखता। और एक तीसरा शख्स भी होता है जो समुंदर पे जाता है और सिर्फ टांगे गिरी करके वापस आ जाता है, ना उसे मछली मिलती है और ना ही उसको हीरे मिलते हैं। ये आपका विजन है, आप लेने क्या जा रहे हैं वहाँ से, उस जगह से। सो ओरिफ्लेम तीन तरह की अपॉर्चुनिटी देता है, लुक ग्रेट, हैव फन, मेक मनी। ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के साथ जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है, जो हमारा मजहब भी देता कहता है, वो है लोगों की ज़िंदगियां बदल लेना। और आप, मैं यकीन से कहती हूँ अगर किसी की ज़िंदगी ओरिफ्लेम से चेंज होगी तो क्या वो दुआएं भी नहीं देगा, तो आपका दुआओं का बिजनेस भी शुरू हो जाता है। और किसकी कौन सी दुआ आपको लगती है, यू डोंट नो। ये काम है देने का। जो लोग एक दफ़ा, ये मैं पहले भी सेंग अपने बहुत से लोगों को कह चुकी हूँ, ईदी साहब से किसी ने पूछा कि आप ईदी कैसे बने, उसने कहा ये देने का जो ज़र्फ था ना, उसने मुझे ईदी बना दिया। अच्छा, साउंड रिपीट हो रही है, आई डोंट नो, इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट नो कि मैंने तो उसको छेड़ा भी नहीं है, तो साउंड रिपीट होनी नहीं चाहिए। अगर किसी और को भी हो रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें अगर साउंड क्लियर नहीं है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। सो देने का जो ज़र्फ है उसने मुझे ईदी बना दिया। और मेरी उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे दो आने देती थी, एक आना मैं खर्च करता था और एक आना दे देता था। सो आप देने का ज़र्फ अल्लाह का ज़र्फ, और अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, बंदों का एहसान नहीं रखता। सो अल्लाह का ये ज़र्फ़ है कि आप अल्लाह के बंदों पर एहसान करोगे तो अल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा करके देगा, बिकॉज़ ये अल्लाह का कमाल है, ये इंसानों का कमाल नहीं है। इंसान तो बहुत ही छोटा पैदा हुआ है, इंसान के पास अगर कोई अख्तियार होता है, कोई चीज़ होता है, वो कहते हैं इसको क्यों मिले, वो एकदम से लालची हो जाता है। मगर ये अल्लाह का है, अल्लाह आपको बग़ैर किसी उसके, आप नाफरमानी करें, आप नमाज पढ़ें, आप कुछ भी करें, आप अल्लाह बग़ैर किसी उसके आपकी चीज़ को देखे हुए अल्लाह आपको दे देता है, ये अल्लाह का कमाल है। तो अगर जब आप ये वाली चीज़ लेते हो और लोगों को हेल्प करते हो, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को हेल्प करते हो और लोगों को जो है वो अच्छा बताते हो, अच्छा रास्ता दिखाते हो, तो यकीन कीजिए अल्लाह आपको वहाँ से फ़ायदा देता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। आज तो बहुत से लोग हमारे साथ काफ़ी लंबा कनेक्टेड हैं, थैंक यू वेरी मच। सो कंपनी ये तीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती है, और अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ पे ठीक तरीके से काम करते हैं, एक आप खुद बहुत पैसा कमाते हैं, दूसरा आपको अनलिमिटेड दुआएं मिलती हैं जिसका कोई बदल ही नहीं होता। सबसे पहले मैं लुक ग्रेट की बात करूंगी। लुक ग्रेट की जिस तरह मैंने थोड़ी सी बात पहले कर दी, हेड टू टो घर के हर फर्द की हर चीज़ मौजूद है। हमारे पास एक कैटलॉग मौजूद है जिसमें 400 प्रोडक्ट्स हैं। कैटलॉग का पीरियड जो है वो हमारा होता है 3 महीने, हर 3 महीने के बाद नई कैटलॉग आती है। ग्लोबली हमारे पास में 1400 से 1500 प्रोडक्ट्स, और इस नेम में घर के हर फर्द की हर प्रोडक्ट मौजूद है। साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट से लेकर मेकअप रेंज से लेकर स्किन केयर से लेकर स्किन प्रॉब्लम से लेकर हाथों पाँव से लेकर बालों से लेकर परफ्यूम से लेकर हर तरह की हर चीज़ मौजूद है। सो हमने ओरिफ्लेम की कैटलॉग को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, टॉयलेट्री, स्किन केयर, फ्रेग्रेंसेस एंड मेकअप। तो 4 तरह की कैटलॉग, इसमें से 3 कैटेगरीज जो हैं, थैंक यू वेरी मच हमेरा, इसमें से 3 तरह की जो कैटेगरीज हैं वो मर्द और औरत दोनों यूज़ कर सकते हैं, यानी स्किन केयर,
हेयर केयर की प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंसेस हो गई और टॉयलेट्रीज हो गई, साबुन शैम्पू कंडीशनर, मेकअप शोबिज़ के मर्द यूज़ करते हैं, चले आम लोग नहीं यूज़ करते। तो ओरिफ्लेम जो है वो आपको ये वाइड रेंज देती है विद नेचुरल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ओरिफ्लेम क्या करती है, वो आपको अंदर बाहर से अच्छा दिखाती है। क्यों अच्छा दिखाती है? एक ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, वो आपको फिजिकली नज़र आ रही है। दो तरह की मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज़ ओरिफ्लेम दे रहा है, एक आपको जो फिजिकल नज़र आ रहा है, जो आपको प्रोडक्ट की सूरत में नज़र आ रहा है, ये आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रॉब्लम्स में, हम आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं। और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है, और जो दूसरी चीज़ कंपनी आपको दे रही है, वो आपको वर्चुअली शायद इस तरह नज़र नहीं आती, और वो अपॉर्चुनिटी है जो आपकी ज़िंदगी को टोटली हेड ओवर हील्स चेंज कर देती है। सो जब आपकी हम ज़िंदगी को ऑल टुगेदर अंदर बाहर दोनों तरफ से चेंज कर देते हैं, और जब आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे होते हैं और आप लोगों के लिए बेहतरी कर रहे होते हैं, तो इनसाइड आउट आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। ओरिफ्लेम की अगर मैं प्रोडक्ट लाइन की बात करूँ, तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, नॉन जीमो टेक्नोलॉजी पर हम काम करते हैं, फॉर्मुलेशन पर। नॉन जीमो क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती, पैवंतकारी नहीं हुई होती, ऐसा नहीं है हमने किन्नू और माटा मिला कर दे दिया, तो हमारी प्रोडक्ट इज़ ऑल नेचुरल। अगर मैं बात करती हूँ साइंस की, तो हमारी हर प्रोडक्ट को अगर आप देखें, फर्ज करें मैंने प्योर स्किन की बात की या करूँ, तो प्योर स्किन के अंदर हमारी सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, और जो साइंस से हमने लिया, साइंस को और नेचर को कंबाइन किया। और अगर नेचर की बात करूं, तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर उसमें पपाया मौजूद है, अमरूद मौजूद है और अनार मौजूद है, तो नेचर और साइंस का कॉम्बो है। वो तीनों चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें वाइटामिन ए है, वाइटामिन सी है, तो वो स्किन को नेचुरली क्लियर कर रहे हैं, और साइंस के साथ हम मिलाकर आपकी प्रोडक्ट को ऑयल फ्री, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, हर चीज़ से फ्री कर रहे हैं। इस तरह हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर और साइंस का टोटली कॉम्बो है। हमारे पास 160 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स को हमारे साथ मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके अलावा हम जो हैं 7 फैक्ट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। R&D सेल्स हैं, हम रिसर्च भी अपनी खुद करते हैं, डेवलप भी अपनी खुद प्रोडक्ट को करते हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं, और हम खुद उसके मालिक हैं एक तरह से, हमारे अपने अंडर कंट्रोल है। पाकिस्तान के अंदर भी जो ओरिफ्लेम है, दैट इज़ अंडर स्वीडन के कंट्रोल के अंदर, मतलब स्वीडन इसको देख रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास फ्रेंचाइज है, स्वीडन खुद यहाँ बैठ कर इसको ऑपरेट कर रहा है, और हम यूरोप के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो बहुत ज़्यादा हैं उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। अब आता है हमारा दूसरा सेगमेंट जो है पैसे बनाने का। आप ओरिफ्लेम के साथ पैसे कैसे बना सकते हैं? ओरिफ्लेम का हर एक का सफ़र, मेरा आपका हर एक का सफ़र एक ही तरह से शुरू होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। वो सफ़र कैसे शुरू होता है? आप अपने CNIC की कॉपी देते हैं, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, जिसके बस हम आपको एक नंबर दे देते हैं जो आपका कंसल्टेंट नंबर होता है। 498 रुपये की हमारी इस मेंबरशिप के हम लेते हैं, और उस 498 रुपये से जिससे एक बर्गर भी नहीं आता, अब देखें बर्गर भी 498-500 का आता है। फ़र्ज़ करें आपने यही समझ कर ही इन्वेस्ट कर दें कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप इतने पैसे ज़ाया करते हैं, एक और सही, एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट है और आप इस बिज़नेस को शुरू कर लेते हैं। उसके अलावा आपको एक नंबर मिल जाता है जो आपका कंसल्टेंट कोड होता है, जो एक यूनिक कोड होता है जो सिर्फ आप ही के पास होता है। अब उसी के साथ साथ आपको पहला फ़ायदा क्या होता है? आपको ओरिफ्लेम की मेंबरशिप के बेसिकली तीन तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि आप उसकी प्रोडक्ट लाइन को यूज़ करते हैं, चूँकि आप मेंबर बन जाते हैं, तो मेंबर इज़ अ प्रिविलेज पर्सन, वो कंपनी के साथ सर्टन बेनिफिट्स ले सकता है, जिसमें फर्स्ट बेनिफिट होता है उसकी तमाम प्रोडक्ट लाइन जो इस कैटलॉग के अंदर मौजूद है उस पर उसको 20% ऑफ मिल रहा होता है। जो प्राइस इसमें लिखी है इसका भी 20% एज अ कंसल्टेंट ऑफ मिलता है। ये पहला फ़ायदा आपको कंपनी के साथ होता है, पैसे बचत भी पैसे बनाने का एक तरीका है। दूसरा तरीका लोग क्या करते हैं, उनको यही समझ आती है कि दुनिया में एक ही तरीका है पैसे बनाने का, और वो ये है कि अपने दो हाथों को इस्तेमाल किया जाए, अपने 24 घंटों को इस्तेमाल किया जाए, और अकेले शुरू हो जाएं दे पे दे चीज़ें बेचना, जिस तरह जॉब मेंटालिटी में वो लोग सोच रहे होते हैं। सो वो क्या करते हैं, इस कैटलॉग को लोगों को दिखाना शुरू करते हैं, चूँकि उन्हें कैटलॉग की प्राइस से 20% कम मिलता है, वो पूरी दुनिया में इश्तहार लगा देते हैं ओरिफ्लेम के, ये मुझसे चीज़ें ले लो, मुझसे चीज़ें ले लो, खुदा के लिए मुझसे चीज़ें ले लो, तुम्हें अपनी अम्मी की कसम मुझसे चीज़ें ले लो, और वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। कंपनी अलाउ करती है, मगर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि आप कहाँ जाकर फंसना शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ आपकी रुक जाती है।
क्योंकि आप जॉब मेंटालिटी पर और ट्रेडिशनल सेलिंग पर काम कर रहे होते हो, जो बेसिक ब्यूटी डायरेक्ट सेलिंग की या नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है उसको आप भूल कर एक आम रवायती अंदाज में चले जाते हो और रवायती मार्केट से आप बात करनी शुरू कर देते हो, रवायती मार्केट की तरह की, और आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो कि ये करता है, वो करता है, तो हम क्या करें. तो दैट इज़ रॉन्ग. आपको अपना विजन बढ़ाना है, अपनी सोच बढ़ानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सर्वाइव इन द सिस्टम. मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ मगर मुझे खून को देखकर मैं फेंट हो जाती हूँ, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती. मुझे उस फेयर को ओवरकम करना है तो ही मैं उस काम में सर्वाइव कर सकती हूँ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फॉर दैट. अच्छा, और तीसरा तरीका जो प्रॉपर तरीका है, जो वैलिड तरीका है, वो है नेटवर्क बिल्ड करने का. अब हम बात करते हैं इन दो तरीकों की. कंपनी कहती है कि आप एंटरप्रेन्योर बने योर वे. अब यहाँ पर चूंकि इट्स एन ओपन इन्विटेशन एंड ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड एनीवन, ये मैंने आपको पहले बता दिया. कंपनी ने इस चीज़ पर बहुत काम किया है कि दुनिया के हर शख्स के लिए अपॉर्चुनिटी है. अब देखिए, जब मैंने आपको तीन तबकों की बात की थी तो उन तीन तबकों में दो लोगों की बात की थी, तो उन दो लोगों में कौन कौन से लोग थे? एक नौकरी करने वाला थे और एक था आपका बिजनेस माइंडेड बंदा. अब जो नौकरी करने वाला बंदा है उसको आप दुनिया में कहीं से पढ़ा देंगे तो वो तो करेगा नौकरी. मैंने तो आपको बोल दिया, वो तो हार्वर्ड से पढ़ के भी नौकरी करेगा तो उसका माइंडसेट नौकरी का ही रहेगा. तो वो नौकरी के ही फ्रेम में घूमता हुआ इस अपॉर्चुनिटी पे काम करेगा. और वो क्या करेगा? वो चीज़ें बेचेगा. जब वो चीज़ें बेचेगा तो वो दो हाथों से 24 घंटों में कितनी चीज़ें बेच सकता है, हद तक चीज़ें बेच सकता है, वो ड्रेन आउट कर जाएगा. वो उस तरह से काम नहीं कर सकेगा क्योंकि वो सिंसेयर होकर काम नहीं कर रहा. वो लोगों की जेब से पैसे निकलवाने का गुण कर रहा है. कोई इसके साथ सिंसेयर नहीं होगा, वो इसके साथ सिंसेयर नहीं होगा. सो सिस्टम सारा एक तरीके से चलना शुरू हो जाएगा. कंपनी मना नहीं कर रही आपको अगेन. सो वो रिकमेंड करेगा और सेल करेगा. पावर आपके पास होनी हर चाहिए, या सेल्स का पर्सन भी यही काम करेगा. और एक वो शख्स है जो बिल्ड करेगा अपने बिजनेस को. अब बिल्ड करना, किसी भी चीज़ को बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है. आपने बुर्ज खलीफा देखा, बुर्ज खलीफा कितना ऊंचाई पर है, वो जितना ऊंचा है वो उतना नीचे. आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो आपकी इमारत कभी भी नहीं गिरेगी, और उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ आप बुनियादें मजबूत कर रहे हैं. तो अगर मैं बात करती हूँ इस वाली कोट की, तो अब हम दो तरह की एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. उबर कंपनी का आपको भी पता है, उबर कंपनी का मुझे भी पता है. उबर क्या फैसिलिटीज़ देती है उसको देख लेते हैं. एक आम औरत के लिए उबर की फैसिलिटी ये है कि कंफर्टेबल सवारी, बापर्दा सवारी, उसे किसी खुली रिक्शे में नहीं जाना पड़ रहा. उसको कंफर्ट के साथ वो एक चीज़ के अंदर बैठकर उस चीज़ को जो है वो अपनी सवारी में उसको उसकी ज़िंदगी में एक आसानी आ गई उबर से, और उबर सस्ती भी है. उबर कंपनी के ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर जो है वो जगह जगह से सवारियां उठाता है और वो उसके लिए एक रोजी का सबब बन गया. और उबर कंपनी के मैं मालिक की बात करूँ तो उसके लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं. अब इसी बात को उसी एग्जांपल पे लेके चलें जहाँ से मैंने शुरू किया था, अमीर का फॉर्मूला जिसके लिए लोग काम करते हैं और गरीब मतवसत का फॉर्मूला वो किसी के लिए काम करता है. अब इसी एग्जाम्पल को यहीं पर ही मैं सेट करती हूँ. उबर कंपनी का ड्राइवर काम कर रहा है, वो खुद अकेला मेहनत कर रहा है, वो किसी के लिए काम कर रहा है, वो जगह जगह से सवारी उठाता है, कभी गुलबर्ग से उठाता है, कभी डिफेंस से उठाता है, कभी शर्मान से उठाता है. वो दो हाथों से काम कर रहा है, रोज़ी उसको मिल गई है मगर वो सारी मेहनत खुद कर रहा है, और उसके बाद वो पैसे कमाता है जितने घंटों का भी ये सिस्टम होता है. सवारी के लिए मैंने आपको बता दिया उसको कंफर्ट मिल गया. और अगर मालिक की बात करूं तो मालिक को क्या फ़ायदा है कि ये सब लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं और उसका रुपया भी नहीं लगा. एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसका अपना साथी कुछ भी नहीं लगा, मगर चूंकि बहुत से लोगों का रिस्क उस मालिक के साथ जुड़ गया है, बहुत से लोगों का कम्फर्ट उस बंदे के साथ जुड़ गया है, तो वो पैसे कमा रहा है सबसे ज़्यादा, चाहे उसने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया. सो फॉर्मूला क्या होता है कि जब आप बहुत से लोगों का भला करते हैं, भला बेच के नहीं हो सकता, भला चीज़ें उनकी जेब से पैसे निकाल के नहीं हो सकता, भला उन्हें कुछ देकर ही वापस होगा. कुछ भी, एनी गुड थिंग, एनी गुड मैसेज, इवन आप किसी को उम्मीद दिलाते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप किसी के शोल्डर पर सिर्फ ये थपकी दे देते हैं ना मैं हूँ, भले आप ना हों, आपका वो कहना उसको इतना लॉन्गर वे में लेके जाता है, उसको इतनी सपोर्ट और हिम्मत देता है जो आप सोच नहीं सकते. हर मदद पैसे से नहीं होती,
कुछ मदद का ताल्लुक मॉरली होता है, कुछ का आपके इमोशन से होता है, कुछ का आपके साथ रहने से होता है। सो हम ओरिएंटली में हर तरह से आपके साथ हैं, मॉरली, मेंटली, सपोर्टिवली, हर तरह से। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ओरिएंटली फैमिली। हम कंपनी के साथ हैं, कंपनी आपके साथ है, कंपनी हमारे साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, हम एक तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। ये पेज एक पब्लिक पेज है, इसमें मैं बहुत से लोगों का जहन इसलिए खोल रही हूँ कि आप सबको पता चले कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कितना छोटा लेके चल रहे होते हैं। सो आप ओरिएंटली से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर आप सेलिंग पर मुजरी हैं, क्योंकि देखें जो सेल्स पर्सन होगा या जॉब वाला बंदा होगा उसका तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, उसको तो तालीम ने नहीं चेंज किया, तो उसको कंपनी क्या कहती है कि एक प्रोडक्ट सेल नहीं करो, पूरा सेट सेल करो। फर्ज करें मेरे पास कोई लिपस्टिक लेने आता है तो मैं उसको टेंडर केयर भी बताती हूँ कि यार टेंडर केयर आपके लिप्स को सॉफ्ट करती है, क्योंकि लिप्स हमारे हमारे सारे ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन, इसलिए कि इस पर सिर्फ वन लेयर होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक ऑर्गन होता है। तो अगर आप उसके ऊपर एक टेंडर केयर लगाते हैं और टेंडर केयर इज़ अ मिरेकल प्रोडक्ट, तो कितना फ़ायदा होता है। तो टेंडर केयर के साथ आप उसकी क्वालिटीज़ बताएं, साथ आप उसे बताएं लिपस्टिक लें, साथ आप उसे बताएं लिप लाइनर लें, और साथ आप उसे बताएं कि आप लिप ग्लॉस भी ले सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें ताकि मज़ीद प्रोटेक्शन हो। सो सेम और सनब्लॉक भी ज़रूर रिकमेंड करें। सो अगर आप एक चीज़ उसको नहीं दें, आप उसको पूरा सेट दें। अगर कोई सेलिंग वाला या जॉब मेंटालिटी का या ट्रेडिशनल मार्केट का बंदा आपको मिल गया, दूसरी बात मैं आपको ये बात बताऊंगी, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल अक्सर शेयर भी करती हूँ। हम सब मैकडॉनल्ड्स लेते हैं और ड्राइव थ्रू से अक्सर ले रहे होते हैं, और मैकडॉनल्ड्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप उसकी ड्राइव थ्रू पे जाओ और उसे कहो कि मुझे बर्गर चाहिए, तो वो आपको आगे से क्वेश्चन करेगा कि मैम आपको बर्गर के साथ फ्राइज चाहिए या ड्रिंक चाहिए। जबकि मज़े की बात मैं आज आपको बताऊँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, वो बर्गर के हैं, बर्गर के साथ ना फ्राइज हैं और ना ड्रिंक है। वो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं देते, वो आपको इसी ऑप्शन में ही फंसाया हुआ होता है, इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ लो। अगर आप उसे कहेंगे मुझे खाली बर्गर चाहिए तो बर्गर देगा, और उसके बाद वो ऑन द चेरी जो टॉप पे लगाते हैं वो कौन सी चेरी होती है कि आप इसको अपसाइज करा लें 20 रुपये में या इतने रुपये में, जो भी कुछ होता है। सो आप उसके लिए भी कूद पड़ते हैं और आप हर तरफ उनका फ़ायदा कर रहे होते हैं, वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ चला रहे होते हैं। सो अगर आप एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप सेलिंग पर ही मुजर हैं तो आप एक प्रोडक्ट नहीं बेचें, उसका पूरा फिर सेट बेचें, और ये सेट बेचने के लिए आपको इसके तमाम साइंटिफिक फ़ायदे बताने ज़रूरी हैं। या आप सेट ऐसे या कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बेच सकते कि सिर्फ बेच रहे हैं, आपको उसकी तमाम नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरिएंटली आपको कहाँ हेल्प करता है? ओरिएंटली वो तमाम आपको टूल्स देता है फ्री, मतलब बेसिकली आप हमारी ऐप्स को फ्रीली आप अपने उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इनोवेटिव ऐप्स हैं, 5 ऐप्स हमारे पास मौजूद हैं ओरिएंटली की। मेकअप का हमारे पास 4.0 नया वर्जन आ चुका है, हमारे पास स्किन केयर ऐप है, हमारे पास ओरिएंटली ऐप है, बिजनेस ऐप है, गेटिंग स्टार्टेड कॉन्फ्रेंसेस की भी ऐप्स मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन कैटलॉग्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिलीज के साथ नए प्रोडक्ट्स हैं और उनके तमाम लाइब्रेरी, जो प्रोडक्ट की नॉलेज की लाइब्रेरी, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताती हूँ तो आप बिज़नेस से क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, मोटा मोटा आपको बताती हूँ। आप बिज़नेस से पहला फ़ायदा ये ले सकते हैं कि आपको 20% ऑफ मिलता है। आप दूसरा फ़ायदा क्या ले सकते हैं, आपको कंपनी जो है वो 3 से लेकर जब आप, अच्छा पहला फ़ायदा 20% ऑफ का आपको सिर्फ तब मिलता है जब आप अकेले अकेले होते हैं और आप सेल लेते हैं, कैटलॉग ड्राइवर्स लेते हैं, यानी आप वेलकम गिफ्ट्स और इस तरह के फ़ायदे लेते हैं। जो ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपकी टीम बननी शुरू होती है, आपके फ़ायदे डबल ट्रिपल होने शुरू हो जाते हैं, आपकी ताकत डबल ट्रिपल होनी शुरू हो जाती है। कैसे? आप 3 से लेकर 21% तक कमीशन की मद में कंपनी टीम के साथ ये फ़ायदा ले सकते हैं, अकेले नहीं ले सकते। कोशिश आप थोड़ा अरसे तक आगे जा सकते हैं, ये टीम के बेनिफिट्स हैं। तो 3 से लेकर 21% तक आपको कमीशन मिलता है, आप अपना करियर अपनी टर्म्स और कंडीशंस अपने आप बॉस होते हुए आप कर सकते हैं, करियर डिसाइड कर सकते हैं, आपको रिकग्नाइज किया जाता है हर स्टेप पर, हर बेबी स्टेप पर कि येस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपको स्टेज पर बुलाकर इतने लोगों के सामने आपको रिकग्नाइज किया जाता है और आपकी तारीफ की जाती है। उसी के साथ साथ आप अपना जो है कैश अवार्ड यहाँ से ले सकते हैं, 4% बोनसेस ले सकते हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं, अपना नाम अपनी पहचान बना सकते हैं। डिजिग्नेशन आपको एक कंपनी देती है, आपको हर वो चीज़ बताती है और आपका जहन खोलती है कि यू कैन डू वंडर्स विद दिस कंपनी, जैसे चाहे काम करें, आपकी विल है, इरादा है, हम आपके साथ मौजूद हैं।
आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। फर्ज करें आप अकेले हैं, शुरू में हैं, तन्हा हैं, हर शख्स एक सेट ऑफ लोगों को जानता है। अगर एक आम पाकिस्तानी की बात की जाए वो 250 से 300 लोगों को जानता है बहुत आसानी से। अगर आप अपनी नेम लिस्ट पे काम करें, अपने रिलेटिव्स पे काम करें, अपने टारगेट्स पे काम करें, गोल्स और ड्रीम्स पे काम करें, हमारे काम का जो मेन चंक होता है वो लोग होते हैं। आप अपने नेम बैंक पर काम करें और अपनी टीम का साइज़ एक्सपेंड करें। मैंने आपको बताया कि हमारा रिस्क ऐसा है कि कुदरत का कानून ऐसा है, जब आपके रिस्क के साथ बहुत से लोगों का रिस्क जुड़ जाता है तो हर एक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। सो आप अपनी टीम अगर बढ़ाएंगे तो इन तमाम लोगों का रिस्क आपके रिस्क में शामिल होना शुरू हो जाएगा। आपके घर गेस्ट आता है, आप कहते हैं वो अपना रिस्क खुद लेकर आए, आप बाजरा डालते हैं या चिड़ियों को खाना देते हैं, तो इसके पीछे आपका माइंडसेट क्या होता है कि इनका रिस्क भी हमारे रिस्क में आना शुरू हो जाए। तो जब आप इतने लोगों का, इंसान का, अशरफुल मखलूकात का इस दुनिया में रहते हुए भला करेंगे तो आपका रिस्क ज़्यादा क्यों नहीं होगा। तो टीम का साइज़ आप बिल्कुल अपना बढ़ाएं। कंपनी आपको हर जगह पर, हर स्टेप पर सपोर्ट करती है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आप और ऊपर जाते हैं तो बहुत से ऑसम कैश अवार्ड्स दे सकते हैं, जो 1 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स हैं, जो कंपनी आपको कहती है आप हमारे साथ ले सकते हैं। और इससे अगला जो टाइटल ये होता है, अपनी इनकम इंक्रीज कर इवेंट्स आप बहुत अच्छे ले सकते हैं। बहुत अच्छे इवेंट्स पर आप हमारे साथ जा सकते हैं क्योंकि कंपनी कहती है हैव फन विद अस। मैंने वाहिद कंपनी देखी है जिसमें काम का स्ट्रेस नहीं है। हाँ, काम है, ये नेटवर्क है, वर्क आपको करना पड़ेगा। आपके पास इतना बड़ा एज है, आप पूरा साल कमाएं, अपने बॉस हों, पैसिव इनकम से कमाएं, कोई और काम के साथ कमाएं, अकेले बैठ के कमाएं, फुल टाइम कमाएं, पार्ट टाइम कमाएं, उसके साथ साथ जो पैसे कमाते हैं दुनिया की सैर करें, बोर्डिंग, वॉजिंग, लॉजिंग, टिकटिंग, वीज़ा, 5-स्टार होटल में ठहरना हर चीज़ कंपनी के एंड से फ्री है। कंपनी कहती है सी द वर्ल्ड विद अस। आप ओरिफ्लेम कम्युनिटी का पार्ट बने, आपके बहुत से दोस्त बनेंगे। हम, मेरे पास इस वक्त ओरिफ्लेम दुनिया के, इंडिया के लीडर हैं, रशिया के लीडर हैं, श्रीलंका के लीडर हैं, बांग्लादेश के लीडर हैं, स्वीडन के, दुनिया के हर मुल्क का लीडर तकरीबन आपके साथ दोस्त बनते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप उनके साथ करते हैं एंड यू लाइक इट बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ ओरिफ्लेम। आप ओरिफ्लेम के लिए सारे काम कर रहे हैं, आपकी सेम एथिक्स होंगी, आप पैशनेट होंगे, आप टुगेदरली एक दूसरे के साथ काम करेंगे और बड़े सिंसेयर तरीके से काम करेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो छुपी हुई होगी, ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कोई किसी से हाइड कर रहे हैं, बिकॉज हम ओपन काम करते हैं। सो ओरिफ्लेम की आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, आप बहुत से लोगों से सोशल मीडिया से और डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्ट भी करते हैं। और कंपनी की ये बेस्ट स्लाइड है सी द वर्ल्ड विद अस। मैं लास्ट बोर्ड कॉन्फ्रेंस पे गई थी, मैंने 18 मुल्कों की सैर की कंपनी के पैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने साथ पार्टनर भी आप लेके जा सकते हैं, चाहें तो अपने घर से किसी को, बच्चों को, किसी को भी लेके जा सकते हैं, टीम मेंबर को लेके जा सकते हैं। एंड देन देर इज सो मच फन, यू नो, फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग, बट समटाइम्स आप कभी अकेले अपने आप को डिस्कवर करने के लिए निकलो और अकेले उसको इंजॉय करो उस जर्नी को, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट। आपको आपके काम की वजह से वहाँ लेके जाया जाता है, दैट इज़ अनदर प्राइड फॉर यू। आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको रिकग्नाइज किया जाता है, सब कुछ किया जाता है और आप दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, ना सिर्फ पैसे। अब आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपके पास इतना टाइम होता है कि आप दुनिया की सैर करते फिरें। अगर आप अपना बिजनेस छोड़ के जाते हैं तो आपको पीछे से मसला होता है, अगर आपका निश्चित किस्म का बिजनेस है, और अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप नौकरी से लेकर जाते हैं तो आप जो सेविंग की होती है उसको यूज़ करते हैं। सो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम कंपनी के ही ट्रिप पर जाते हैं, वो हमारी टीम्स के लिए मोटिवेशन होता है और हमारे लिए मोटिवेटिंग होता है, और लोगों को उससे एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है कि लोग भी ये काम कर सकते हैं और वो भी इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ओरिफ्लेम। मगर ओरिफ्लेम के अंदर एक चीज़ आपको समझनी है, 90 दिन अपने आप को दें, 90 दिन वैसे ही हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। अगर आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, अगर आप अपने आप को 90 दिन देते हैं और उस काम को सीखने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप इस काम को सीखेंगे नहीं, आप आगे नहीं जा सकते और आप हार जाएंगे, बिकॉज आप इसको, आपको लगेगा ओवरऑल की सूरत में कि बहुत बड़ी हार्डशिप है, बहुत मुश्किल काम है, जबकि इतना मुश्किल काम नहीं है। एवरी वन कैन डू दिस एंड एनी वन कैन डू दिस। यहाँ से अपने आप को जंजीरों से आज़ाद करें।
हाथी का आप बच्चा अगर आपने कभी देखा हो तो हाथी का बच्चा जब आता है सर्कस के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो उसको बेसिकली एक बहुत मोटी जंजीर उसके पाँव में डाल दी जाती है और उसके बाद उस जंजीर को डालकर उस हाथी को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। जो हाथी बड़ा होना शुरू होता है उसकी जंजीर का साइज़ कम कर दिया जाता है। जब वो फुली ग्रोन हाथी बन जाता है, थैंक यू सहमा, जब वो फुली ग्रोन हाथी बन जाता है तो उसके पाँव में एक छोटी सी रस्सी डाल दी जाती है जिससे वो झटके से तोड़ सकता है मगर उसको नहीं तोड़ता बिकॉज जंजीर उसके दिमाग पे पड़ चुकी होती है। हमारे दिमागों पे बहुत सी ऐसी जंजीरें पड़ चुकी हैं जिनको हम तोड़ना ही नहीं चाहते और तोड़ते भी नहीं हैं, सुनते भी हैं नहीं यार मैं नहीं कर सकती, वो कर सकती है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, एवरी वन कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट तो एनी वन एंड एवरी वन कैन डू इट। वालेकुम अस्सलाम। आखिरी बात करूंगी और इसके बाद इस प्रेजेंटेशन का अख्ताम करूंगी इस दुआ के साथ कि आप लोगों को कुछ समझ आया हो और आप में से किसी का भला ज़रूर हुआ हो। एक बार एक शख्स होता है वो सख्त सर्दियों की रात में बर्फ़ के पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सर्दियों की रात है, बर्फ़ का पहाड़ है, नीचे गिरता है, मौत ही की नहीं है। तो वो जब फिसलता है तो उसके उसको पता होता है अब तो मैंने मरी जाना है। तो वो शुरू हो जाता है, या अल्लाह मेरी फलानी नेकी का वास्ता मुझे बचा ले, या अल्लाह पाक मेरा कुछ ऐसा कर ले, मैंने बोले फलाने टाइम पे नेकी की थी उसकी वजह से मुझे आज का दिन स्पेयर कर दे। तो अल्लाह की करने क्या होती है, उनका हाथ एक दरख्त पे उस साहब का पड़ता है और वो दरख्त को पकड़ के लटक जाते हैं। अब रात का वही अंधेरा, वही टाइम, वही सर्दी की शिद्दत और वही सब सन्नाटा और डर, और उनको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, ऊपर से गिरा हूँ, अब किधर आया हूँ, कोई पता नहीं। फिर शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह मेरी फलानी नेकी का वास्ता, मेरी फलानी चीज़ का अच्छाई का वास्ता, आपने मुझे अभी भी बचाया है, मुझे बचा लो। अल्लाह की ये एक फर्जी कहानी है सिर्फ समझाने के लिए। अल्लाह की करनी क्या होती है कि उनका उनको एक आवाज़ आती है अपने पीछे से फड़फड़ाहट की, वो कहते हैं कौन है, वो कहते हैं हाउ इम्प्रूव प्रोडक्ट नॉलेज यू एज यू लर्न इट, फातिमा जिस तरह मैं देती हूँ मैं भी लर्न करती हूँ, मेरी चीज़ों को आप लर्न करें और अपने वर्ड्स में देनी शुरू कर दें, दैट्स इट। लर्निंग का प्रोसेस कभी नहीं रुकता किसी भी चीज़ के लिए। उनको फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है, वो कहते हैं कौन है, पीछे से आवाज़ आती है मैं फरिश्ता हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा, कहते हैं वेरी गुड मुझे नीचे उतार, वो कहते हैं मैं फरिश्ता हूँ, मेरे तो पैर हैं, मेरे तो हाथ हैं ही नहीं, मैं तेरे सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, कहते हैं दे मशवरा, कहते हैं हाथ छोड़। अब अंदर का डर, मौत का डर, हाथ छोड़े भी नहीं छूटते तो वही पकड़ के लटके रह जाते हैं, कहते हैं और फरिश्ता कहता है भाई मुझे अल्लाह ने तुझे मशवरा देने के लिए भेजा था, तो थोड़ी देर की और फरिश्ता चला जाता है और वो साहब जो हैं वो बहुत शुक्रिया रुकैया, वो साहब लटके रह जाते हैं उसी सर्दी में, उसी सब अंधेरे में। और एज यू थैंक यू वेरी मच शुमेरा, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू मेहरबानी, वो लटके रह जाते हैं और इवेंचुअली इतनी ठंड होती है कि वो अकड़ के मर जाते हैं। आप बहुत ठंड में होते हो तो आपका हार्ट बीट, खून, सब कुछ जम जाता है, अकड़ के मर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग क्या देखते हैं कि एक साहब एक दरख्त पे लटके में अकड़े में जमे में और मरे में और ज़मीन से सिर्फ 1.5 फुट के फासले पर, मशवरा आया था, मशवरा उनके पास आया था, उन्होंने हाथ को नहीं छोड़ा, हर मदद आई। हम बहुत सी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कोसते रहते हैं, उस बंद दरवाजे को पीटते रहते हैं और जो खुला दरवाज़ा हमें नज़र नहीं आता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ये कह के तर्क कर देते हैं और छोड़ देते हैं कि हमारे लिए नहीं है और वो हमारे लिए होती हैं। सो दिस इज़ अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी, आप तक मशवरा भी आया, आप तक बात भी आई है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करनी है। इसी से एक और मुझे बात याद आ गई, ये भी मैंने पिछले दिनों ही सुन रही थी। एक बार एक साहब होते हैं वो किसी को हेल्प करते हैं, वो कोई बुज़ुर्ग होते हैं वो खाना मांग रहे होते हैं, हम उनको अपना खाना देते हैं, बुज़ुर्ग दुआ देता है उनको कि बहुत सी दुआएं देता है और उसमें एक दुआ और देता है कि एक यहाँ पर चश्मा मौजूद है, इस चश्मे करीबी तो तुम इस चश्मे पर ना जिस दिन तुम्हें वहाँ उस चश्मे पर गर्म पत्थर मिलेगा तो वो जो गर्म पत्थर है ना वो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। तो उसको ये मैंने तुझे तेरी जितनी तुमने मुझे खाना खिलाया है इसके बदले मैंने तुझे एक ऐसी मैंने तुझे राज की बात बता दी है जो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। वो साहब इस चीज़ को पल्ले से बांध लेते हैं रो और चश्मा ढूंढते हैं और चश्मे में जाकर चेक करते हैं, वहाँ चश्मे में बड़े पत्थर पड़े होते हैं, एक उठाते हैं, दो उठाते हैं, तीन उठाते हैं। थैंक यू वेरी मच साइमा, जज़ाकअल्लाह खैर।
वो थैंक यू खाला, वो उसको उठाते हैं पत्थर को, और उसको उठाने के बाद देखते हैं सारे ठंडे होते हैं, वो वापस चला जाता है, थोड़े दिन गुजरते हैं. मतलब एवरी डे ही स्टार्टेड गोइंग टू विजिटिंग द चश्मा. चश्मे पे जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, हाथ लगाते हैं, ठंडा होता है, फेंक देते हैं. अब ये उनकी आदत बन जाती है, चश्मे पे जाना, पत्थर उठाना और फेंकना, अब उनकी हैबिट का पार्ट बन जाता है. अब क्या होता है कि इस तरह से 3 साल गुजर जाते हैं, वो रोज़ जाते हैं चश्मे से पत्थर उठाते हैं और फेंक देते हैं. एक दिन वो चश्मे पे जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, और वो जो पत्थर होता है वो गर्म होता है, मगर वो आदत से मजबूर हो चुका होता है 3 सालों के अंदर. और वो जिस तरह रियलाइज़ करता है वो पत्थर जो है वो गर्म है, उतनी ही देर में वो पत्थर वो हाथ से फेंक देता है आम पत्थरों के अंदर. और चूँकि वो आदत से मजबूर हो चुका होता है, और वो पत्थर जब गिरता है वो आम पत्थरों के अंदर शामिल हो जाता है, जो उसको दोबारा नहीं मिलता. और हमारे साथ भी यही होता है, हम आम अपॉर्चुनिटी की तरह, चूँकि मैं ना 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 कहने की आदत होती है, मैं नहीं कर सकता, नहीं 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 ये हो नहीं सकता, तो हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर देते हैं. हमारा जहन है कंप्यूटर की तरह, सर कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ फीड करते हैं और उसी से रिजल्ट निकलता है. आप नात का आप ऑप्शन देंगे तो नात लगेगी, आप गाने का ऑप्शन देंगे तो गाना लगेगा. आप फीड करेंगे, इसी तरह आप अपने जहन को भी फीड करते हैं. आप कहेंगे आप ये काम कर सकते हैं तो होगा, आप कहेंगे आप ये काम नहीं कर सकते, काम मुश्किल है, ये उस यही कर सकता है, तो आपका जिस्म और दिमाग उसी मोड के अंदर चला जाएगा. सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ अपनी स्टोरी के साथ शेयर किया है. और अपने साथ बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कामयाब बनाया है. और इस दुआ के साथ इस रमज़ान में जहाँ इतनी होपलेसनेस है, इतना अजीब सी सिचुएशन और नेगेटिविटी भी लोगों के लिए है, मैंने कोशिश की है अपना पार्ट पूरा करूं और आपको वो अपॉर्चुनिटी दूं जो मेरी ज़िंदगी में एक होप लेकर आई, एक पॉजिटिविटी, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बनकर आई. और इस मदर्स डे पर उन तमाम माओ बहनों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त इस मुश्किल का शिकार हैं, जिनके लिए शायद मैं वैसे कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं एक ये मैसेज दे सकती हूं, ये अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचा सकती हूं कि आप आएँ और इफ्लेम को देखें, उसको ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें. ये पेंडेमिक जब ख़त्म हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच फातिमा, ये जब पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हालात तब भी वैसे ही रहेंगे. काफ़ी अरसे के लिए लोगों के जहन और चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी अरसे के लिए, हो सकता है आई एम गुड संभल, और हो सकता है कुछ अरसे के बाद सब ठीक हो जाएँ. तो मगर ये ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास बहुत बड़ी है. सबसे बड़ी बात, ये अपॉर्चुनिटी इस पेज पर मैंने छोड़ दी है, थैंक यू महम. और आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने नए मेंबर्स को भी इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं. मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप इसको जहाँ तक पहुँचाना चाहें पहुँचाएँ और कोशिश करें आपके लिए इनकम जनरेट हो जाए. थैंक यू वेरी मच, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा. कल मेरे ग्रुप के लिए, मैं अपने ग्रुप से आऊँगी कल, मैं स्टेप 1 देने इंशाल्लाह ताला आप लोगों को, जो आप लोगों को मेरा स्केड्यूल मालूम है उसी में आऊँगी, वो सिर्फ ग्रुप के लिए होगी. आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़.